हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेफ। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम चैट जीपीटी का क्लोन देखेंगे या चैट जीपीटी की तरह कोई ऐप देखेंगे। इस ऐप को हम बेसिकली किसी अपनी वेबसाइट या ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी दूसरी, या इसको अलग से एक ऐप बनाकर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज दे सकते हैं और एज अ प्रो चैट जीपीटी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे, एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, मैं नाम लिख देता हूँ क्लाइंट लेट्स से। सो बेसिकली ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। मैं क्लाइंट के फोल्डर में एंटर हो जाता हूँ, तो मैं क्लाइंट में मौजूद हूँ। तो इसके साथ हम टेलविंड जो है कन्फिगर करेंगे। तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं टेलविंड, उसके बाद एन पी एक्स टेलविंड को इनिट कर लेते हैं। देखेंगे तो इधर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये फाइल क्रिएट होगी। उसके बाद इस फाइल में वो कहेंगे हम कंटेंट ऐड कर देंगे कि कौन सी फाइल्स पर ये चीज़ एप्लीकेबल हो। सो बेसिकली ये कंटेंट आ गया, तो इसकी जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसमें सारी सोर्स फाइल के अंदर जितनी भी सारी फाइल्स हैं वो उसने कहा है, जे एस है, जे एस एक्स है, टी एस है और टी एस एक्स है। उसके बाद ये तीन फाइल कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसको सोर्स में इंडेक्स डॉट जी सॉरी इंडेक्स डॉट सी एस एस में सबसे ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दैट्स फाइन। उसके बाद हम इसको सिंपली एन पी एम स्टार्ट कर देंगे। इसको देख लेते हैं, लोकल होस्ट 3000 पे ये स्टार्ट हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम एडिट वगैरह करके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, सारा ये कोड डिलीट कर देता हूँ, एक डिव डाल देता हूँ सिंपली, और क्लास नेम सॉरी सजेशन नहीं शायद आ रही, क्लास नेम ऐड कर देता हूँ लेट्स से टेक्स्ट 4XL ताकि हमें नज़र आए साफ। तो मैं इधर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ, उधर गया तो हेलो वर्ल्ड हमें एक थोड़ा सा बड़ा करके नज़र आया। तो इसका बेसिकली हमारे पास ये चीज़ें अप्लाई हो गई हैं। ठीक है, साथ ही इसको थोड़ा सा मैं इसकी स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए। सो इसके अलावा आई गेस इसमें यही है, इसको मैं इस विंडो बंद टर्मिनल बंद कर देता हूँ। इस पर ही हम अब काम करेंगे बेसिकली ऐप के अंदर ही। तो हमारा पर्पस ये है कि सिंपली हम एक ऐप इधर क्रिएट करेंगे, लॉगिन साइनअप राउट्स वगैरह हम नहीं इस सीरीज़ में करेंगे, लेकिन अगर आपने वो देखने तो मैंने अपनी दूसरी मंथ स्टैक प्रोजेक्ट में वो किया होगा। तो आगे चलते हैं, ये ऐप था उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। तो बेसिकली इधर ऐप हम कुछ बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये देखूँ कि मेरे पास कुछ मसला चल रहा है, गैस कुछ क्लासेस नहीं आ रही। तो बेसिकली यहाँ पर एक इधर इसको रहने देते, एक सोर्स में एक और आई गेस फोल्डर बना लेते हैं चैट के नाम से, चैट चैट के नाम से। ठीक है, इसमें इंडेक्स डॉट जे एस सॉरी जे एस कर देते हैं, आर ए एफ सी। अच्छा, इसके अंदर रिएक्ट नहीं यूज़ होगी, सो उसको ख़त्म कर देते हैं। इंडेक्स जहाँ जहाँ पे उसको चेंज कर देते हैं बेसिकली चैट से। ठीक है, फिर और यहाँ पर आके बेसिकली सिंपली चैट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक, अभी चैट पे चलते हैं तो कुछ होगा। अच्छा है, सेव कर लेते हैं चेंजेस। चैट हमारे पास बेसिकली इंपोर्ट से ही चल रहा है। ओके फिट, तो अब बेसिकली सजेशन और प्रेफरेंस ये मेरा होगा आइडिया कि बेसिकली हम एक थोड़ा सा डार्क थीम पे करेंगे और चैट जीपीटी टाइप क्लॉन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छी यूआई और इस तरह से कुछ चीज़ें हम कर लेंगे जिस तरह आप चाहें। सो सबसे पहले मैं बेसिकली यहाँ पर भी मेरे पास क्लास नेम नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट, बेसिकली उसको पता नहीं चल रहा कि रिएक्ट है जे एस एक्स है टाइप। तो या तो इसकी फाइल का नाम आई गेस जे एस एक्स कर लें तब हो जाएगा सेट, और या फिर हम इसको एक मिनट इसको तो एक सीधा करेंगे जावास्क्रिप्ट से, सिंपली रिएक्ट डाल देते हैं। उसके बाद अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाती है जी बेहतर। तो बेसिकली मैं प्लान जैसे डार्क थीम का होता है तो मैं कह देता हूँ एच स्क्रीन सॉरी एच स्क्रीन डब्ल्यू स्क्रीन। तो बेसिकली मैं लगे व्यू पॉइंट हाइट और विड्थ 100 व्यू पॉइंट आ जाएगी। और बी जी मैं एक कलर सेट कर देता हूँ एश 05, बस ये कलर है, चेक कर लेंगे, इसको सेव करके देख लेता हूँ। सो या इट्स काइंड ऑफ ब्लैक, थोड़ा सा शेड वाला है, सो ये हम यूज़ कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि एक लेट्स से
डिव कर लेते हैं। अच्छा, सो बेसिकली एक जैसे चैट जीपीटी पे गया, एक साइड पे हमारे पास चैट्स आ जाती हैं और दूसरे पॉइंट पे हमारे पास चैट वो सॉरी चैट्स हिस्ट्री आ जाती है, और दूसरे पे चैट जो हम कर रहे होते हैं मैसेजिंग वो आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं दो डिव बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। क्लास नेम इसको मैं विड्थ दूंगा आई गेस 25%, ठीक है। और इसको फिर मैं दे दूंगा जो कि मेरे पास बच्ची है 75%। फिर इसके बाद इसका जो बीजी कलर है वो है 050509 से थोड़ा सा मैं चेंज आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ब्लू शेड में आ जाते हैं उसको, ठीक है, ताकि हमें नज़र आ जाए, तो उसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी कोई फर्क आया, और बेसिकली हमने क्योंकि वेट दे दी है, हाइट कोई नहीं दी, सो लेट्स से हाइट उसको भी हम स्क्रीन दे देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ आ गया। सो इट्स लुक्स गुड, लेकिन थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है, लेट्स डू इट 20% एंड 80%, या फिट। तो बेसिकली इस साइड पे हमारे पास हमारे चैट हिस्ट्री आ जाएगी, और इस साइड पे हमारे पास जो चैट चल रही होगी वो ऐड हो जाएगी। सो बेसिकली अब हमने ये वाली साइड करनी है, लेफ्ट साइड की चैट जहाँ पर हिस्ट्री आ जाए, तो इसको एडिट थोड़ा सा कर लेते हैं, इस तरह कर लेंगे बेसिकली कि सबसे पहले तो वो जैसे कि बटन आ रहा था हम वो बनाएंगे एक, ठीक है। तो एक बटन जैसे उधर आ रहा था तो हम एक बटन बनाएंगे, तो इस जो सेक्शन है इसके अंदर भी तीन हमारे पास होंगे। तो बेसिकली मैं एक इस सेक्शन आ गया, इसके अंदर हमारे पास तीन सेक्शन होंगे, एक पहला सेक्शन जिसमें बटन होगा, दूसरा सेक्शन जिसमें हमारी हिस्ट्री होगी, और तीसरा सेक्शन जैसे कि उधर आता है डार्क थीम को लाइट में कर लिया, अपग्रेड का या कुछ भी आप ऑप्शन डालना चाहे सेटिंग वगैरह की, तो वो आ जाएगी। सो बेसिकली इसको मैं फिलहाल हार्ड कोडेड कुछ हाइट और कुछ चीज़ें दे देता हूँ। लेट्स से इसको हाइट की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप इसको हम ट्रैक चलते हैं इसके बटन की तरफ ही ट्रैक, ठीक है। तो वो बटन आगे हैंडल कर लेगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ न्यू चैट, ठीक है। एक अभी प्लस का आइकन ऐसे ही हार्ड कोड डाल देता हूँ, लेट्स सी, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह का। तो इसको कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो इसको स्टाइल कर लेते हैं हम, लेट्स से वेट फुल कर देते हैं, हाइट बेसिकली हाइट सेट कर लेते हैं लेट्स से 50px फिट। उसके बाद टेक्स्ट वाइट, ये थोड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें, ठीक है, इस तरह के आ जाएगा। उसके बाद एक बॉर्डर, वो ज़रूरी बॉर्डर है। उसके बाद आई गेस राउंडेड इसको करना चाहें कि नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, राउंडेड करके देख लेते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं। या लुक्स बेटर आई गेस, सो ये आ गया। इसके बाद आई गेस फिट है, ऐसे ही होना चाहिए। तो इसको होवर अगर कुछ करना चाहें तो होवर कर सकते हैं आप, सॉरी चैट नहीं आएगी वो नॉट स्पेसिस। अच्छा, तो ये प्लस न्यू चैट का हमारे पास एक बटन आ गया, तो इस पर बेसिकली क्लिक करके एक नया चैट खुल जाएगी फिट। अच्छा, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, नीचे चैट्स आ जाएंगे बेसिकली, हम ये चाह रहे हैं। तो दूसरी डिव्स चेक कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। इसमें हमारे पास क्योंकि चैट्स आएंगी, तो लेट्स सी इसको भी मैं एक हाइट दे देता हूँ। ओके, सो लेट्स से इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ कि ये 80%, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर एक दे के देख लेता हूँ कि ये किस तरह, ये यहाँ तक, ठीक है। इसको चाहे तो कम कर सकते हैं, बट लेट्स गो विद 70, लुक्स गुड, 75 इज परफेक्ट आई गेस, या तो नीचे तीसरी एडिंग आपने करनी है तो उसको अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसको आ जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चैट डिव बना लेंगे। इस डिप में दो आई गेस दो चीज़ें आ जाएंगी, लेट्स से मैं इधर नाम ही लिखना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ अच्छा अभी फ़िलहाल मैं ये लिख देता हूँ माई चैट हिस्ट्री, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्लास नेम दे देता हूँ, लेट्स से इसकी हाइट सेट कर लें या पैडिंग सेट कर लेते हैं। पी वाई सबसे पहले देख पी वाई 2 कर देते हैं या 4 कर देते हैं लेट्स से, ठीक है। बॉर्डर ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। और क्योंकि टेक्स्ट वाइड होने वाला है सबके इधर ही, तो क्यों ना जो मेन डिव है इसको ही टेक्स्ट वाइड दे देते हैं, टेक्स्ट वाइड, ठीक है, ताकि सबको हमारे पास आ जाए। उसके बाद इसके अलावा आ जाएगा टेक्स्ट सेंटर, या टेक्स्ट सेंटर करना है कि नहीं ये आपकी कॉल है, ठीक है। उसके बाद इसको हम मार्जिन टॉप 2 कर देते हैं, या लेट्स से 4 कर देते हैं। हम डायरेक्ट ऊपर वाली मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। सो आई गेस
इसको कर देते हैं, देखा जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम टेक्स्ट को छेड़ेंगे, टेक्स्ट थोड़ा सा एल जी कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। उसके बाद फॉन्ट हमारे पास लाइट करके देख लेते हैं, लाइट कुछ इस तरह आता है। ठीक है, और इसको हम कुछ और कर सकते हैं, आई गेस दैट्स फाइन। इसके अंदर एक स्पैन लगा देते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम अगर टैबलर आइकन्स डॉट आई ओ पे जाएँ और यहाँ पर कुछ सर्च कर लें चैट से रिलेटेड, तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आई गेस ये बेहतर है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी एसवीजी कर लेते हैं हम, इसको एज एन पीएनजी एसवीजी डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके एसवीजी कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर आपने एनपीएम पैकेज किया हो तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इधर क्योंकि इतने फॉन्ट्स वगैरह इस तरह की यूज़ नहीं हो रही चीज़ें, तो मैं सिंपली इसको पैकेज इंस्टॉल करने के बजाय सिंपल एसवीजी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसको ये कर देते हैं, देख लेते हैं लग गई या फिट। अच्छा, आप स्पैन आगे इसको फ्लेक्स भी कर देते हैं। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर भी कर देते हैं और आइटम सेंटर भी कर देते हैं, वाई एक्सिस पे मतलब के वो कर देते हैं। ठीक हो गए, अलाइन हो गई। इसको स्पैन को थोड़ी क्लास दे देते हैं हम कि जो मार्जिन राइट है वो थोड़ा सा आ जाए मेरे पास, लेट्स गो विथ 4। ठीक है, और आई गेस इसको जस्टिफाई सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको साइड पे हम रहने देते हैं। ठीक है, बस ये यहाँ से साइड से हम पी एक्स थोड़ा सा दे देते हैं, लेट्स गो विथ 8, ताकि ये थोड़ा सा आगे रहे। या इसको एक और काम करते हैं हम कि ओवरऑल इसको हम एक जो हमारे पास स्क्रीन है इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ओवरऑल, लेट्स से 4, ताकि हमारे जो बटन और सारी चीज़ें वो नज़र आ जाए। ठीक है, सो 4। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो बॉर्डर हमने लगाया था न्यू चैट पे, ये ठीक है, इस पे जो बॉर्डर लगाया हुआ है ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इस पे रहने देते हैं, इस पे भी रहने नहीं देते, बस बेसिकली दिखाना था सिर्फ नज़र आ जाए आपको। सो ये है, इसके बाद होवर पे ही हम स्ट्रेट लगाएंगे, कोई बीजी कलर इसका हम सेट कर देंगे, लेट्स से स्लेट 600 कर देते हैं अभी। ठीक है, और कर्सर पॉइंटर होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह कुछ है, इसको हम थोड़ा सा और सेट कर लेंगे। न्यू चैट आ गई, चैट हिस्ट्री यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ जाएगी। इसको लेट्स से इसको भी लॉन्ग डेट कर देते हैं और इसका बॉर्डर हटा देते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा फिट। अच्छा, ऊपर से फिर वही चीज़ें कि थोड़ी सी हेड पैडिंग देनी है, तो वही एंड मार्जिन टॉप तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको भी मार्जिन टॉप 8 कर देते हैं, तो इस तरह से वैसे ही बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस आ जाए। तो उसके बाद कुछ लेट्स से यही है डिफ, इसको कुछ ये करते हैं कि हम एक 1 2 3 4 5 डॉट एक सॉरी मसला ये चल रहा है कि हमें इसमें इसे ऐसे करना चाहिए था। तो अब इसको हम करते हैं एक्स, ये आ गया। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, और ये चीज़ उठाकर यहाँ पेस्ट कर यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, लेट्स सी। तो ये आप देख सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह की माय चैट हिस्ट्री इस तरह का कुछ आ गया बेटा। अच्छा, इस तरह मज़ीद सारी वो चैट हिस्ट्री स्टोर करवा सकते हैं। ठीक, और स्पेसेस आई गेस सही हैं, स्पेसेस भी ओके हैं, चैट हिस्ट्री आ गई है। न्यू बटन पे भी हम कुछ लगा देते हैं, ऊपर स्टेट पे ये वाली स्टेट लगा देते हैं, बीजी स्लेट 600 फिट हो गया। अच्छा, सो इसको थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, 7 8 9 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो रहा है फिट। इनमें हॉर्स स्पेसेस डालनी हो, लेट्स से आपको कम लग रही है तो हॉर्स स्पेसेस भी आ सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 4 इज़ गुड। अच्छा, एक चीज़ होगी, उसके बाद तीसरी चीज़ थी कि हमने इसको तीसरा जो है इसको हमने कुछ दिया हुआ था स्पेस, सो उसको देख लेते हैं उसको किस तरह ऑक्यूपाई करना है। तो 75% हाइट है, मतलब कि अगर मैं दिखा दूँ तो बॉर्डर लगा के इतनी हाइट ये कंज्यूम कर रहा है, इससे नीचे जाएगा तो क्या होगा इसके अंदर वो देख लेते हैं हम। सो मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ, 1 2 3, तो ये देख सकते हैं ओवरफ्लो कर जाता है। तो इसका अब हम तरीका ये है हमारे पास है कि हम इस पर ओवरफ्लो स्क्रॉल लगाएंगे बस, तो ये हमारे पास स्क्रॉल भी काम करने लग जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक मैं इस पर शेडो थोड़ा सा लगा देता हूँ, शेडो एल जी लगा देता हूँ,
ठीक है। अच्छा ऐसा शायद आपको फ़र्क ज़्यादा नज़र ना आए उस अपनी स्क्रीन पे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है नज़र जब थोड़ा सा स्क्रॉल होता है, कि पता चल जाता है कि अभी ये चीज़ है। साथ हिस्ट्री हम ये ख़त्म भी कर सकते हैं एज यू नो, तो इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि जिस पे आपने लगाना, जैसे हाइट हाइट स्क्रॉल बार, हम ये लिख देते हैं ठीक है। कॉपी करते हैं, लेट्स से इंडेक्स डॉट सी एस एस में पेस्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं ये जो है क्लास, इस पे वेब किट हमने लगानी है, सॉरी माइनस के साथ है, वेब किट स्क्रोल बार ठीक है, और उसका डिस्प्ले नन कर देना है ठीक है। तो अब हाइड स्क्रोल बार, आप जिस पे भी क्लास लगाएंगे उस पे स्क्रोल बार हाइड हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा ये हमारे पास हो गया, चैट हिस्ट्री होगी हमारे पास। नीचे वाला जो सेक्शन है उसको हम अभी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी उधर ऐड करना चाहें तो हम उधर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ बटन दे सकते हैं हम। फिर से मैं इधर सेटिंग्स, लेट से एक मिनट काम करते हैं। यही चीज़ ऊपर से जो कॉपी की है, क्योंकि मोस्टली कोड तो सेम होगा, तो इसको ही पेस्ट कर देते हैं। मैं बताता हूँ क्या मसला है। अच्छा ये सारा कुछ आगे ओवरफ्लो उधर नहीं लगा हुआ ना बेसिकली, तो क्योंकि ये हमारे पास होगी भी लिमिटेड, लेट से इसको तीन सिर्फ ऑप्शंस दे देते हैं। तो ये आ गया, तीन ऑप्शंस पे भी नीचे बैठ जाएगा। तो इस पर फिर हम लगा ही देते हैं वो भी क्लासेस, जो उस पर लगाइए वही क्लासेस फिर इस पर भी लगा देते हैं हम, लाइक ओवरफ्लो स्क्रॉल हाइड बार ठीक है। अच्छा इस पे लग गई कि नहीं, नहीं लगी है। यस सेव तो कर दिया हुआ, डिव राउंडेड बेसिकली इस पे स्क्रॉल हाइट नहीं इसके पास है, हाइट फुल कर देते हैं। सो भी नहीं लगी। अच्छा हाइट फुल होगी बेसिकली नहीं। सो बेसिकली अभी हाइट जो बची हुई है, लेट्स से हमने इसको 75 दे दिए, नहीं सॉरी इसी की बात करनी हाइट ठीक है, इसको हमने कोई हाइट नहीं दी, लेट्स इसको भी हाइट दे देते हैं हम। लेट्स से हम इसको कह देते हैं हाइट 5% ठीक, 5% अगर दे दी तो कुछ इस तरह से ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा, सही है। 5 और 75 80 होगी, तो अब इसकी हाइट में बचेगी 20% ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, अब ये स्क्रॉल क्यों है इसको देख लेते हैं। 75 5 लेट्स डू इट 15 यार 20 कर देते हैं, इसको 70 कर देते हैं कुछ, आई गेस 5% इधर उधर से जो ना, हाँ या अब नहीं आ रहा, तो 5% इधर उधर से आई गेस कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, तो उस वजह से मसला कर रहा है। तो इसको हम एक तो बॉर्डर टॉप दे सकते हैं ठीक है। खाली बॉर्डर टॉप दे देते हैं ठीक है, 1 पिक्सल फिट है, इसको बंद कर देना था आपके थोड़ा सा। सो या एक तो ये काम कर रहा है सही, ये भी काम कर रहा है, इस पर बस थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि मैं सेटिंग्स का आइकन लगा रहा हूँ, तो लेट्स से सेटिंग चेक्स, सेटिंग कोड की बात कर लेते हैं, कॉपी SVG जो ये SVG इसको रिप्लेस कर देंगे इस SVG के साथ। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ आ जाएगा, परफेक्ट हो गया। अच्छा एक तो ये स्पेस थोड़ी सी ऊपर आ रही है, एक तो हमने स्पेस भी दी हुई, ऊपर से हमने उसका हाइट भी दी है, तो मेरे ख्याल से अब उसकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो या इट्स लुक्स गुड, पीछे छुप जाता है तो परफेक्ट हो गया, सबके पास स्पेसेस आ गए और अच्छी खासी स्पेसेस हैं जो कि परफेक्ट हैं। इस पर थोड़ी सी आई गेस मुझे, अगर मैं इस पर MB4 लगा दूँ तो सही है, बेहतर है, थोड़ा सा नीचे से स्पेस बन गया। सो बेसिकली अब क्या है, हम इसको करेंगे 80% वाले सेक्शन को एडिट, तो इसके अंदर आ जाएगा 80% में हमें दो सेक्शन है बेसिकली, एक तो सबसे पहले हमारे पास और चैट का नेम और एग्जांपल्स आ जाएंगे, नीचे एक इनपुट फील्ड वाला सेक्शन है, तो वो दो सेक्शन आ जाएंगे। एक को मैं क्लास नेम, एक को मैं दे दूंगा हाइट 80%
मॉडल लगा देता हूँ ताकि नज़र आ जाए लाइक दिस, और एक को मैं क्लास दूंगा जो बची है वो है 20%। फिर सही 80% वाले को एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले तो एक इसके अंदर दो सेक्शन है, एक चैट का नाम और दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स हम शो कराते हैं। जो चैट का नाम रख देते हैं ऐप GPT, ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम बाद में करा देते हैं। उसके बाद इन दोनों को हमने कुछ करेंगे फ्लैक्स फ्लैक्स कॉल, क्योंकि हमने इसको स्टैक कराना है। जस्टिफाई सेंटर वाई एक्सिस पे सेंटर हो जाएगा और आइटम सेंटर एक्स एक्सिस पे सेंटर हो जाएगा फ्लैक्स कॉल के केस में। तो ये इस तरह आ गए। उसके बाद हम इसको क्लास नेम दे देते हैं, बल्कि इधर ही हम एक तो क्लास है टेक्स्ट वाइट, क्योंकि सबको देना तो टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। क्लास थी फोर एक्सेल नहीं टेक्स्ट फोर एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड। तो ये हमारे पास आ गए नाम। एग्जाम्पल्स शो कराने, एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं एग्जाम्पल्स के नाम से, ठीक है। कुछ लिख देते हैं हाउ टू यूज़ टेलविंड CSS, उसके बाद हाउ टू यूज़ टेलविंड CSS विद रिएक्ट नेक्स्ट JS एच पे व्यू एंगुलर आई गेस। 2 4 6 कितने हो गए, 2 4 6 7 हो गए, एक और कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इवन आ जाए, एम्बर फिट हो गए। अच्छा इसको अब हम कर देते हैं, तो एक डिव आ जाएगी। उसके बाद हम इसको यहाँ पर इसके अंदर एग्जाम्पल्स को मैप करा देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे हम, लेट्स से इसी को यूज़ कर लेते हैं, सेव करा लेते हैं। तुम्हारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा ये शो फिट। अच्छा ठीक है, कुछ इसको वो दे देते हैं जैसे पैडिंग 4 बॉर्डर, ठीक, राउंडेड भी कर देते हैं और कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं, और होवर पे हम इसको BG स्लेट कर देते हैं। लेट्स से गो विथ 400 नहीं फिर 800, डार्क में जाना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं। सो या इट्स परफेक्ट। अब ये स्टैक में आ गए, हमें चाहिए बेसिकली ये इस तरह फ्लैक्स में ग्रिड व्यू में। तो इसको हम इधर से कर देंगे क्लास नेम फ्लैक्स, जिससे ये इस तरह आ जाएंगे। फ्लैक्स रैप भी कर देते हैं ताकि रैप हो जाए। उसके बाद जस्टिफाई सेंटर कर देंगे, सारे सेंटर में आ जाएं। अब इस तरह भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो इसको हम मैक्स वेट दे देते हैं, मैक्स वेट लेट्स से 900 पिक्सल, ठीक है। और इनको मिनिमम वेट दे देते हैं लेट्स से 400 पिक्सल्स। तो इससे क्या होगा बेसिकली ये सारे तकरीबन इवनली बॉक्सेस में रहेंगे। और अब इसको जस्टिफाई सेंटर की वजह अगर मैं बिटवीन लगा दूँ तो कुछ इस तरह आएंगे, या लेट्स से अराउंड पे लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। और इसके अंदर थोड़ा सा MB8 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस में आ जाए। सो नाउ आई गेस इट्स लुक्स गुड, ठीक है। मेरे पास एग्जांपल्स कुछ आ गई हैं और ऐप का नाम आ जाएगा फिर, और फिर मैं बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे टेक्स्ट एरिया वाली की बात। अब इनपुट वाली चीज़ हैंडल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम बेसिकली इसमें जाएंगे, और यहाँ पर भी मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मेरे पास होगा लेट्स से टेक्स्ट एरिया और एक वो होगा, लेकिन बेसिकली हमने दोनों को इकट्ठा रखना चाह रहा हूँ तो मैं उसको एक ही डिव, बल्कि ज़रूरत भी एक ही डिव में कर देता हूँ, ठीक है। वो इस तरह होगा कि हमारे पास एक हो जाएगा इनपुट टाइप और सब कुछ, लेट्स से इसको यूज़ कर लेते हैं। और एक नीचे हम कुछ स्मॉल टेक्स्ट डाल के लिख देते हैं, अभी हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं कि देखें दिखता कैसे। तो कुछ इस तरह का है, हम इसको विड्थ फुल इसलिए नहीं देना चाह रहे, हम इसको विड्थ देंगे 50%, ठीक। MX ऑटो से नहीं गया, अच्छा लेट्स चेक इट आउट। अच्छा ये डिव ये 70% था, इसको फ्लैक्स और जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, ये चला गया। लेकिन विड्थ इसको हम दे देते हैं फुल, अगर करें तो क्या होता है, नहीं कुछ नहीं होता। लेट्स गो विथ 50%। अच्छा ओह सॉरी 50% बेसिक इसको लग गया, इसको हम लेट्स से अंडू कर देते हैं। तो इस तरह आ जाएगा। अब अगर मैं विड्थ फुल करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास इस तरह कुछ आ जाएगा। अच्छा फिट हो गया। अच्छा अच्छा इसको मैं अगर बड़ा चाह रहा हूँ तो फिर मैं इसको वेट कुछ सही मुझे देनी पड़ेगी, लाइक 70% इसको दिया हुआ है, और अगर मैं इसको वेट फुल कर दूँ
और यहाँ पर अगर 50% लगाऊँ तो इस तरह चलता है, क्योंकि जस्टिफाई सेंटर, अच्छा नहीं इसको आइटम सेंटर भी कर देते हैं ताकि इसमें आ जाए, ठीक है। अच्छा स्मॉल नहीं लव्स यूज़ हो रहा, इसको मैं देख लेता हूँ। क्लास नेम लगा देते हैं टेक्स्ट नहीं वाइट, ये इस तरह आ गया। अच्छा फ्लैक्स उसमें आ जाएगा, फ्लैक्स को हमने करना है फ्लैक्स कॉल, ये कहाँ चला गया? अच्छा नहीं ये फ्लैक्स को, ओ सॉरी फ्लैक्स, ये क्यों फ्लैक्स हो गया? अच्छा एक मिनट, इस पर क्लास लगेगी ना फ्लैक्स, फ्लैक्स कॉल की, तभी वो होगा, ठीक है। और आइटम सेंटर होगा ताकि एक्स एक्सिस पे सेंटर में आ जाए, फिट। अच्छा अब इसको देखना है हमने, इसको हाइट को इसकी किस तरह इंक्रीज़ करना है। सबसे पहले तो इसको ये हटा देते हैं, ठीक है। अब ये इतनी देर है, अगर मैं इधर से फ्लैक्स हटा दूँ और विड्थ भी हटा दूँ, अच्छा फ्लैक्स क्योंकि वो कर रहा है तो दैट्स वाई फ्लैक्स यूज़ कर रहा है। इसको फिर क्या करेंगे, एक तो इसके फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। अच्छा सॉरी, अच्छा आज आइटम सेंटर फ्लैक्स आइटम सेंटर हो जाएगा, और जस्टिफाई सेंटर करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा इसको, क्योंकि उसकी हाइट नहीं मैंने दी हुई ना, हाँ फिट है। अच्छा तो इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो मैं इसको फुल विड्थ दूंगा, ये फुल विड्थ ये ले ले, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं इधर विड्थ दूंगा, विड्थ अगर मैं फुल देता हूँ तो ये फुल हो जाएगा आई गेस, हाँ। और तो फुल नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 75%, सो इट लुक्स गुड। 60 कर लेते हैं, 65 हो गए 60, ठीक है ठीक है फिट है। और फिर मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, ये हमारे पास आ गया। अच्छा इसकी हाइट अगर मैं कर दूँ हाइट फुल, ठीक है, अभी इसके ऊपर मेरे ख्याल से जस्टिफाई सेंटर लग जाएगा, या परफेक्ट। अच्छा हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा था कि हम कुछ इधर कुछ है वो दे सकते हैं, एआई कैन जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट भी नहीं, इधर टेक्स्ट स्लेट आना चाहिए, स्लेट लेट्स से 500, या और एम्प्टी 2 हो जाए बस, ठीक है। और आई गेस दैट्स फाइन, इस तरह की एक वार्निंग टाइप आ जाएगी। इसको अगर हम हाइट नहीं भी देते तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा गैस, ठीक है। तो उसका तरीका फिर ये हो गया। अब मैं इधर इसको हम लेट्स से कुछ इसको भी तो हमने देना है कलर, इसको हम दे देते हैं बॉर्डर दिया मैंने, ठीक है बॉर्डर दिया, बॉर्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इधर बीजी कुछ बीजी स्लेट दे देते हैं, लेट्स गो विद 900, कुछ इस तरह की कुछ बना लेते हैं, लुक्स गुड आई गेस। तो नहीं तो 800 तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, जो हमारी थीम है ये 800 पे फिट है, तो 800 यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो हमने ये इधर यूज़ किया हुआ है ये भी तो यूज़ कर सकते हैं, ताकि दोनों कलर हो जाए, लेकिन उसके ऊपर इतना वाज़ नहीं है, तो आई गेस 800 बेस्ट था। क्या इस पर टाइप कर लेते हैं, हाँ टेक्स्ट वाइट करना है बेसिकली, हमने इसने सिर्फ इसका करना है टेक्स्ट वाइट, ताकि टेक्स्ट नज़र आ जाए, हेलो वर्ल्ड, ठीक लुक्स गुड। अच्छा ये चीज़ होगी हमारे पास, तो राउंडेड थोड़ा सा एल जी कर देता हूँ, थोड़ा राउंडेड ज़्यादा कर देते हैं। सो हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। इसके साथ ही हमें क्या चाहिए था, इसके साथ हमें आई गेस वो सेंड का बटन होता है वो चाहिए, तो टैबलेट पे जाऊंगा मैं इधर, ठीक है सेंड लिखूंगा, तो मुझे ऑप्शन दे देगा ये सेंड का ये बटन है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, कॉपी एसपीजी कर लेते हैं। अब इनपुट में आया, मैंने इधर पेन डाला उसके अंदर पेस्ट कर दिया, फिट। अच्छा ये तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं स्पैन किधर आएगा, नीचे भी आ जाएगा इधर गया स्पैन, एक मिनट यार, ये मेन को ही हम फिर टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ठीक है ये रहा ठीक है। इसको उसके अंदर हमें चाहिए
उसमें इंसर्ट कराने का तरीका क्या है, बेसिकली हमने सबसे पहले तो टेक्स्ट वाई, अच्छा सॉरी इसके अंदर ही एक मिनट, इनपुट में करना है तो इनपुट डिव कॉल हाइट, वो तो डिव हो जाएगी और ये डिव कुछ और है। इंटरेस्टिंग, अगर मैं इधर एक डिव बनाता हूँ, डिव क्रिएट करता हूँ और उसमें ये चीज़ें मैं दोनों डाल देता हूँ, लेट्स से दोनों चीज़ें, हाँ ठीक है दोनों चीज़ें डाल देता हूँ, तो कुछ मसला तो बड़ा पड़ जाएगा यार, लेकिन होना भी आई गेस इससे ही है, क्योंकि वो कुछ क्लास लगा के देख लेते हैं, एक मिनट को चेंज किया मैंने, जैसे मैं ये देख रहा था ये ख़राब हो जाएगा तो इसके ऊपर कुछ क्लास लगा लेते हैं गैस, विड्थ फुल की सही हो जाएगा, उसके बाद अगर एम एक्स ऑटो लगाता हूँ तो नहीं जाएगा, तो फ्लेक्स इस पर भी फ्लेक्स लगा दूँ, फ्लेक्स तो हो जाएगा जस्टिफाई, सेंटर होगा हो जाएगा, फिर ये चला लेते अभी, चल गए। अच्छा इसके बाद आ गई, अभी बेसिकली इसके ऊपर हम लगा देंगे, इसके ऊपर रिलेटिव की क्लास, ठीक है, और इस पेन के ऊपर लगा देंगे हम एब्सोल्यूट की क्लास, तो बेसिकली इसकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, फिट तो इसको मैंने करना है राइट ज़ीरो, तो राइट पे हमारे, अच्छा नहीं वो 100% उसको दे दी मैंने, ओह इंटरेस्टिंग, अगर मैं इसको इसको मैं अगर 75% करता हूँ और इसको सॉरी इसको मैसेज इसको मैं विड्थ फुल कर देता हूँ, क्या होगा तो ये इधर आ जाएगा, बेसिकली मतलब 60 दी थी ना उसको, तो इसको हम देंगे तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर आ गए राइट, इस पर तो राइट को 4 कर देते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है, और टॉप से भी 4 कर देते हैं, सो इस तरह ये सेंटर भी हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया। इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं कर्सर पॉइंटर की, ताकि ये हो जाए, सो आई गेस इट्स फाइन, बस इसमें एक चीज़ होगी जब उस तक पहुँचेगा तो मसले मसाइल आ जाएंगे, तब क्रिएट हो जाएंगे आई गेस, या तो उसका तरीका ये होगा कि बेसिकली हमने जो पैडिंग दी है 4 तो दे दी, तो बस पैडिंग होगी आई गेस, लेट्स स्टार्ट विद पैडिंग राइट 8 कर देते हैं, अच्छा 8 होगी, सो गो विद 16 पे बेसिकली ये इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये नहीं जाएगा, फिट है फिर, तो बाकी ये होगी चीज़ हमारे पास, इसका फ्रंट एंड बेसिकली हमारे पास रेडी हो चुका हुआ है, तो मैं चाहूँगा अब इसके अंदर हम ये चीज़ें कर लें, चैट इधर हिस्ट्री आ जाएगी, इधर हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, इसको चेंज कर लेते हैं यार, कहाँ गया सॉरी ऐसे उसको किया मैंने, माय चैट हिस्ट्री की वजह मैं देर कर देता हूँ सेटिंग्स, ठीक है, ओह सॉरी इसकी जगह करना था, ये मैं देखती हूँ कोड सेटिंग, तो इस तरह आ जाएगा न्यू चैट, चैट हिस्ट्री, और ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल चैट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यू स्टेट के साथ बाइंड वगैरह हम कर देते, तो ये हो गया बेसिकली फ्रंट एंड। इसके अलावा फिर हमारे पास जो अब हमारे पास आ जाते हैं चैट वाली स्क्रीन, हमने डिज़ाइन करनी है कि हम उसको किस तरह करेंगे, तो उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इधर एक एग्जांपल चैट की रे बना लेता हूँ, सो लाइक दिस, इसमें रोल यूज़र दे देता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ, लेट्स से आई वांट टू नो हाउ टू यूज़, ताकि थोड़ा सा एक आए, अच्छा फिर मैं कह देता हूँ असिस्टेंट का रोल आएगा बेसिकली जो रिस्पॉन्स होगा हमारा, और हेयर आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देते हैं हमें आई गेस, अच्छा उस तरह देना चाह रहे हैं हमें, ठीक है, सो बेसिकली चलें इसको ऐसे ही रहने देते इतने, फिर असिस्टेंट नहीं, फिर असिस्टेंट नहीं होगा, फिर यू रोल यूज़र हो जाएगा, फिर यूज़र को मैसेज आ रहा ये आ जाएगा, फिर उसके बाद अगेन असिस्टेंट का रिप्लाई, हियर इज़ एन एग्जांपल, बेसिकली वो ये यूज़ करना चाह रहा है, तो वो मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो लगती नहीं है तो बस ये देना चाह रहा है, अच्छा उसने हमें रिकमेंड कर दिए डॉक्स, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एग्जांपल्स ज्वाइन कर देगा, तो
नहीं कह रहे बस ठीक है, वो एग्जाम्पल्स बहुत लंबा, एग्जाम्पल्स को ज्वाइन कर रहा है, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इसको कर लो एग्जाम्पल्स के तौर पे, वी कैन डू दैट बट देर इज़ नो नीड फॉर दैट। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास। अब बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि जब हमारे पास चैट मौजूद हो, मतलब चैट स्टार्ट हो चुकी है, तब ये मेरा स्क्रीन हो। तो इसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं जहाँ पर हमने ये यूज़ किया होगा एग्जाम्पल्स बेसिकली ये। तो ये है वो कोड जिसके अंदर हमने किया वो फ्लैक्स कॉलम ऑफ करना था, तो इसको हमें नहीं चाहिए जब हमारे पास चैट हो। तो हम इसके बाद ये कंडीशन लगा देंगे कि अगर चैट डॉट लेंथ 0 से बड़ी है तो क्या हो, एल्स तो क्या हो। ठीक, फिर अगर 0 से बड़ी है तो क्या हो, और ये एल्स की कंडीशन सब कुछ चले आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एल्स की कंडीशन क्यों हमारे बनी हुई है तो डाल देते हैं, इसको उठाकर सिंपली इधर पेस्ट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ओह ये क्या हो गया, अच्छा उतर नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए आई गेस एक सिंपल सी डिव बना देते हैं ताकि एरर खत्म हो। अब फॉर्मेट इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, इसने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, फिट हो गए। अभी हमारे पास चैट क्योंकि पड़ी हुई है उसकी लेंथ 0 नहीं है, तो इसलिए हमें ये वाला ब्लॉक शो करा है। ठीक है, अब हम बेसिकली इसको चैट क्रिएट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली क्लास डाल देंगे, डिव डालेंगे बेसिकली। ये क्या कर रहा है बेसिकली, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम जो हाइट थी वो 80% वाली की है, 80% जो टेक्स्ट एरिया से ऊपर है, इनपुट से ऊपर है, तो उसको हमने 80% कहा हुआ था, तो वो हमने नीचे इस ब्लॉक के लिए कर दिए सर। तो हमारे पास अब ऊपर कोई नहीं है, तो वो दोबारा से वही सारा कुछ करेगा। तो हम चाह रहे हैं कि 80% वो रखे, साथ ओवरफ्लो और मतलब हाइट करते हैं। उसके बाद हम मैप करवा देंगे बेसिकली चैट को, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इधर मैप कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करना चाह रहे। तो सिंपली मैं एक डिव बना दूँ, इस ये डिव है बेसिकली मैसेज की। इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो हमारे पास आ जाएगा स्पैन जिसमें हम आइकन लगाना सोच रहे हैं, और दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास सिंपली एक डिव जिसमें ये टेक्स्ट होगा, लेकिन कुछ है उसने दिया मुझे तो नहीं क्या। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ आइटम डॉट मैसेज फिट। अच्छा, सो इसको कुछ क्लास नेम लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो वही विड्थ मैं इसको चाह रहा हूँ 60%, साथ इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हमें इंसान सा नज़र आती रहे। तो ये है इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ फिर आ जाएगा हमारे पास, MX ऑटो चलता है या फिट। अच्छा ये चीज़ होगी, उसके बाद हम चाह रहे हैं कुछ थोड़ा सा मार्जिन टॉप कुछ कर लें, या चलें पैडिंग टॉप कर लेते हैं 8, तभी ऊपर से थोड़ा सा वो नीचे आ जाए। अच्छा फिट हो गया। अच्छा इसके अलावा कुछ मैसेज को मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 4, ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। उसके अलावा लेट्स से ये हमारे पास आ गया, इसको टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट फिट हो गया। अच्छा इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, पैडिंग 6 कर देते हैं ताकि सब कुछ नज़र आ जाए, फिट हो गया। अच्छा ओके, उसके अलावा एक हमें आइकन यहाँ पर जो चाहिए था। अब आइकन बेसिकली वो भी मैं चाह रहा हूँ डायनेमिक, तो वो ये होगा कि अगर आइटम डॉट रोल है तो क्या हो, और नहीं है तो क्या हो। तो मैं आ जाऊँगा टेबलर आइकन में, सबसे पहले सर्च करूँगा यूज़र का, तो यूज़र बोल्ट ये कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ पेस्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद SVG ये रही, यहाँ पे लगेगी एल्स की कंडीशन सॉरी। और उसके बाद मैं उठाऊँगा कुछ रोबोट करके है था, हाँ रोबोट, तो बेसिकली रोबोट आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं फिट, ताकि रिबोट इस तरह का कुछ आ जाए हमारे पास साथ साथ। ठीक, इसके अलावा फिर इसको अब हम क्या करेंगे, फ्लैक्स कर देंगे और आइटम सेंटर कर देंगे। ठीक हो गया, अगर आइटम सेंटर नहीं करते तो क्या होता है, नहीं कुछ भी नहीं होता, नहीं वो बेसिकली सेंटर हो जाता है। मसला ये क्योंकि हाइट दी हुई नहीं हमने हुई, तो इसलिए वो हमें शोर इतना वो नहीं आएगा। तो क्लास नेम मार्जिन राइट कर देते हैं कुछ 8 pixels, थोड़ा सा हो जाए। इसको कुछ हम पैडिंग दे के लेट्स से BG स्लेट 400 कर देते हैं, और राउंडेड फुल कर देते हैं, लुक्स गुड। अच्छा नहीं तो हम इसको 800 करके भी टेक्स्ट वाइट कर सकते थे इस तरह से, और ये बेहतर है मेरे ख्याल से। अच्छा उसके बाद बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर अजीब सा लग रहा है। इस तरह के हमारे पास चैट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब डिफरेंशिएट करने के तरीके हैं, हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चैट GPT वाले तरीके से करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, मैसेज को ही कर देंगे, मैसेज को नहीं बल्कि पूरे इस बॉक्स को करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, टेम्पलेट लिटरल यूज़ करूँगा मैं,
तो वो क्या होगा, सॉरी, कि अगर आइटम डॉट रोल इज इक्वल टू असिस्टेंट है, ठीक है, सॉरी असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट है तो क्या हो, बी जी स्लेट डार्क कर लें, थोड़ा सा ये कर लें और इसे डार्क, यस, हमने इधर कौन सा यूज़ किया हुआ है, बहरहाल ये अच्छा है गेस, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर राउंडेड भी चाहूँ करना ताकि नज़र आ जाए राउंडेड, सो या आई थिंक इट्स परफेक्ट। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा चैट, तो अगर चैट कोई बड़ी है, लेट्स से कुछ हम बड़ा लिखना चाह रहे हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बल्कि, फिर देखते हैं क्या बिहेवियर है। इस तरह का हमारे पास अगर चैट ज़्यादा बढ़िया आ जाती तो इस तरह कर जाएगा। तो इसके एक मिनट, अच्छा तब हम ये करेंगे बेसिकली, अभी तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं अंदर यूज़ की हुई तो इसलिए, लेकिन जब हम चैट ओपन एआई से रिक्वेस्ट करते हैं तब हमें फॉर्मेटेड डाटा देता है, तो हम तब उसको जिस तरह आ रहा होगा उसी तरह शो करवा देंगे ताकि डाटा हमारे पास फॉर्मेटेड फॉर्म में है, तो इसको हम तब देख लेंगे गाइस। नहीं तो अगर इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक अगर करनी भी है किधर के मैसेज, तो इसके ऊपर एक क्लास होती है शायद, वो है फॉन्ट लूज, लूज लीडिंग लूज, सॉरी बेसिकली, तो थोड़ा सा ये इस तरह लीडिंग आ जाएगी। अच्छा ये मैं चीज़ देखना चाह रहा था, ये आइटम सेंटर करता है, तो आइटम सेंटर तो नहीं करना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ टॉप से स्टार्ट हो, बेसिकली इस तरह स्टार्ट हो। अच्छा टॉप से स्टार्ट हो गया, लिख लीजिए क्या है मसला, इसको अगर मैं हाइट फुल कर दूँ तो सही हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ें चलें, तो अगर वो नज़र वैसे आ नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको 800 दिया हुआ है, तो अगर मैं इधर इसको 500 कर दूँ तो इस तरह की कुछ नज़र ज़्यादा अच्छे नज़र आएगा इसके ऊपर, तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास वो आ जाएगी। तो अगर मैं इसी चीज़ को लेट्स से कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी ये सारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके देख लेता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब ये स्क्रॉल भी आ गए और स्क्रॉल बार भी खत्म हो गया क्योंकि हमने स्क्रॉल बार हाइड किया हुआ, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, फिट आई गेस लुक्स गुड। तो ये हमारे पास तकरीबन हमारा फ्रंट एंड जो है वो रेडी है, तो बस अब इस पर, और जब चैट कोई नहीं होगी, लेट्स से इसको मैं एक्स कर देता हूँ, सॉरी चैट इज़ नॉट डिफाइंड, सो बेसिकली अब चैट क्योंकि है नहीं, मैं कुछ बाय डिफॉल्ट तब वैल्यू दे देंगे, लेकिन अभी कह रहा है इसको, अच्छा चैट है ही नहीं ना, ओके सो इसको ये तरीका था कि यहाँ पे हम कॉन्स्ट चैट इज वॉलंटियर बना देते हैं, ठीक है, इसको सेव करेंगे, एज़ यू कैन सी अब ये हमारे पास ये आ गया, और जब हमारे पास चैट वापस आ जाएगी तो चैट जब स्टार्ट होगी तब बेसिकली हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी। सो बेसिकली ये हमारे पास अब फ्रंट एंड रेडी हो गए, अब हम इसके बाद चलेंगे बैक एंड पे। सो बेसिकली अब जो फ्रंट एंड है वो तैयार है, अगर मैं आपको फ्रंट एंड दिखा दूँ तो बेसिकली फ्रंट एंड जो है कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे बैक एंड की तरफ, ठीक है, कि हम बैक एंड सेटअप कर लेते हैं उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कर लेंगे। सो बेसिकली बैक एंड के लिए सबसे पहले तो हम ये क्लाइंट है, ये चैट जीपीटी जो मेन फोल्डर है, इसी के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर अभी बना लेते हैं, बाद निकाल लेंगे, इसको हम कह देते हैं सर्वर, ठीक, इसको बाहर कैसे आएगा ये, अच्छा मूव कर लेते हैं, ठीक हो गया, फिट हो गया, अच्छा तो ये आ गया सर्वर। अब इसको थोड़ा सा इनिशियलाइज़ वगैरह कर लेते हैं हम, न्यू टर्मिनल सीडी सर्वर npm init -y करने से वो खुद बखुद ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा देता है, ठीक, फिट हो गया। अच्छा इसके अलावा हम हमें क्या चाहिए होगा वो चीज़ें वो देख लेते हैं, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं app.js के नाम से, ठीक, और बल्कि nodemon हमें चाहिए होगा, npmi nodemon कोर्स चाहिए होगा, एक्सप्रेस चाहिए होगा, और आई गेस इतना काफ़ी, उसके बाद में देख लेते हैं हम चीज़ें। सो बेसिकली ये अब इंस्टॉल हो गई हैं। अच्छा app.js में चलते हैं, तो उसके बाद कौन कर लेते हैं सबसे पहले, तो एक्सप्रेस इसको रिक्वायर कर लेते हैं, इसके अलावा फिर ऐप में एक्सप्रेस
पॉट एक डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से इसको 8000 कर देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद क्या मैं बताता, ये ऐप हो गया, उसके बाद आई गेस बस यही है। फिर उसके बाद वही है कि ऐप डॉट यूज़ चीज़ें करने वाली, जैसे बल्कि कोर्स को भी कर लेते हैं, तेरी कॉन्स्ट कोर्स, कोर्स के लिए अच्छा डॉट ई एन वी भी इंस्टॉल कर लेते हैं बेसिकली, प्रोसेस इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। डॉट ई एन वी, अच्छा कॉन्स्ट डॉट ई एन, बल्कि उसको तो ऐसे रिक्वायर कर लेते हैं, उसको उसकी तरह नहीं कर रही, रिक्वायर डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग, फिट हो गया। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ऐप आ गया, इसको ऐप को नीचे ही ले आता हूँ जहाँ पे यूज़ करो ऐप डॉट यूज़ की कुछ फंक्शनैलिटी आ जाएगी कोर्स की, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब कि जो फ्रंट एंड से पास करेंगे उसको गेट करने के लिए, और इसके अलावा आई गेस फिट है। उसके बाद हम एक राउट बना लेते हैं, एग्जाम्पल राउट सॉरी, ठीक है, और सर्वर को लिसन कर लेते हैं, ठीक। अच्छा इसके अलावा और कुछ आई गेस इसमें कुछ नहीं है, फिट है। तो वो मैं चलता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, बेसिकली जो हमने स्क्रिप्ट लिखनी है उसको रन करने के लिए, तो स्टार्ट भी कर देते हैं, नहीं तो स्टार्ट भी चलें कर लेते हैं। तो उसके बाद सर्वर में जाके npm स्टार्ट अगर हम कर दें तो चल गया है। अच्छा सॉरी, इंडेक्स हमने लिख दी, ऐप डॉट जे एस है। अच्छा क्या हुआ, अच्छा दोबारा क्रैश कर गया, किधर गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, सर्वर में इंडेक्स जेएस नहीं मिला उसको। इंडेक्स जेएस हमने बनाया कहाँ पे हुआ है, लेट्स से इसको रन डेफ करके देखते हैं, ऐप डॉट जेएस इंडेक्स है कहाँ पे, कहीं मैंने यूज़ किया हुआ वर्ड, कुछ ऐसा किया तो नहीं। npm रन डेफ करते थे या इट्स वर्किंग फाइन, बस उसको खत्म करके रीस्टार्ट टाइप करना था। अच्छा ऐप लिस्टिंग कर रही है हमारे पे लोकल होस्ट 8000 पे, तो वो भी कर लेते हैं, लोकल होस्ट 8000, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया फिट। अच्छा ये हमारे पास सेटअप बेसिकली हो गया। अब बेसिकली अब हमें इधर पोस्ट चाहिए होती है, इधर हम चाह रहे हैं बेसिकली हम उसको ये काम जो है हमारा चैट वाला, हम ये फ्रंट एंड पे भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट वाला, लेकिन फ्रंट एंड पे रिकमेंडेड नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, तो हम बैक एंड पे ये करेंगे। उससे पहले हम ओपन एआई की मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। इसमें बेसिकली आपको ओपन एआई में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर कुछ आपको मॉडल API की मिलेगी, उसके अंदर मॉडल अगर फ्री आपका अकाउंट है तो वो आपको मेरे ख्याल से डेविंची मिलेगी, टेक्स्ट डेविंची, उससे अपर जो है वो शायद ना मिले, वो पेड में है। तो अगर आपको जो GPT 3.5 टर्बो या GPT 4 चाहिए तो फिर आपको वो मेरे ख्याल से पेड है, वो खरीदनी पड़ेगी APIs। अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक टेक्स्ट कम्प्लीशन आ जाती है और एक चैट कम्प्लीशन API है। दोनों में फ़र्क बेसिकली यही काइंड ऑफ सेम है, लेकिन जो सा हम एप्लीकेशन या चैट टाइप और इस तरह की चीज़ें करनी होती है, जैसे कि इसने भी बताया हुआ है, तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें करनी हो तो फिर आपके पास चैट कम्प्लीशन आ जाती है। जैसे कि अगर चैट वर्सेस कम्प्लीशन भी आ गया, कहता है कि GPT 3.5 परफॉर्म सिमिलर करती है जैसे टेक्स्ट डेविंची 003 करता है, लेकिन 10% प्राइस पर टोकन, तो इसलिए हम कहते हैं वो सस्ती पड़ती है बेसिकली, तो चैट GPT 3.5 टर्बो यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो कि आपके पास आ जाती हैं, वो जो उसके पास उसकी रीडेबिलिटी है और उसको स्टडी करने की है, वो ज़्यादा कैपेबल है चैट कम्पिटिशन में, ठीक। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये चीज़ API मिलेगी, और अभी मेरा अकाउंट क्योंकि लॉगिन नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि अभी उनका सर्वर डाउन है, तो इस वजह से मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास की पड़ी है और वो मैं प्रोसेस डॉट ई एन वी वेरिएबल में ऐड कर दूंगा और फिर उसको मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर डायरेक्ट। तो वो चीज़ है, आपने बस उस तरह कर लेनी। उसके बाद आपने URL बेसिकली इसका आएगा ऐप डॉट पोस्ट की, हम बेसिकली रिक्वेस्ट करेंगे इधर /API/chat पे, तो बेसिकली यहाँ पर। अच्छा इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले हमने इधर डाटा को डिफाइन करना पड़ता है या इनिशिएट करना पड़ता है, लाइक कॉन्स्ट डाटा करके बना लेते हैं, क्योंकि उसको कुछ पैरामीटर्स हमने सेंड करने, तो उसके पैरामीटर्स बेसिकली ये होते हैं हमारे पास, लाइक सबसे पहले तो आ जाती है चीज़ बेसिकली रे नहीं है, ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है उसका मॉडल, सॉरी मॉडल अभी हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास प्रीपेड है तो मैं यूज़ करूँगा GPT 3.5
टर्बो, सॉरी टर्बो, और बेसिकली स्पेस नहीं है, डैश है। तो ये मॉडल हमारे पास आ जाएगा, कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास मैसेजेस की, बेसिकली मैसेजेस क्या है, ये एक रे है बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कुछ प्री डिफाइन चीज़ें करनी होती हैं। प्री डिफाइन से मुराद ये है कि हम अगर तो आप किसी स्पेसिफिक नीश के उसको स्कोप करना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक नीश पे ही आंसर करे उसी के रिलेटेड, तो फिर हम इधर कुछ करके इस तरह के, जैसे हम रोल आगे यूज़र, हम पहला हमारे पास होता है सिस्टम का, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कंटेंट। इसमें वर्ड कंटेंट आई गेस वो नहीं है, सॉरी क्या उसे कहते हैं, मैसेज नहीं है, कंटेंट है, फ्रंट एंड बैक चेंज। तो मैं इधर इसको हम कुछ बताते हैं कि जो हमारा ये वो है बॉट है वो जैसे मैं बता दूँ, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है, ठीक है, बस मैं इतने बात करता हूँ, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हमने नीश जैसे बताया, जैसे यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यू विल ओनली टॉक अबाउट दिस नीश, कि इसके बारे में से बात करते रहोगे और बता दोगे कि इफ़ समबडी आस्क यू फ्रॉम अदर टॉपिक्स और एनी टॉपिक एक्सेप्ट दिस, तो आप उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करोगे। और अगर इसको और मोर स्पेसिफिक करना हो तो बेसिकली एक हम रोल डाल देते हैं यूज़र का भी, पहला मैसेज हमेशा, उसमें क्या कहते हैं, हम इस तरह की बात कर देते हैं यूज़र कहने की, ये तो सिस्टम हो गया, लेकिन ये क्योंकि वो कहते हैं कि सिस्टम इतना, अगर इनकी इसमें हम पढ़ लेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि जो सिस्टम मैसेज है, पे स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू सिस्टम मैसेज, तो इतना ये सिस्टम मैसेज को अटेंशन नहीं देता, तो उसकी उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र का भी एक बाय डिफ़ॉल्ट पहला मैसेज बनाकर भेजेंगे, जिसके अंदर हम कह देंगे मजीद, फिर दोबारा हम कह देंगे, लेकिन एज अ यूज़र हम कहेंगे कि आई वॉन्ट टू नो ओनली अबाउट दिस, कोई भी नीश आपकी होगी उसके बारे में जानना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ और भी पूछूँ आपसे तो आपने मुझे फ़नी वे में या किसी तरह भी उसको मुझे आपने कह देना कि मुझे नहीं पता, तो इस तरह का आपने एक यूज़र भी बना देना है, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र का भी मैसेज जाएगा, ताकि हमारे पास नीश के टॉपिक रहे। सो बेसिकली अभी हमारे पास हम नीश से रिलेटेड नहीं करें, तो हम इसको भी ऐसे ही जाने देते, सिर्फ एक सिंपली मैसेज का चैट डाल देते, फिट हो गया। अच्छा ये हो गया, उसके बाद अब क्या करेंगे हम, कहाँ गया ये, अच्छा अब हमें चाहिए होगा, लेट्स से यहाँ पर अब हम ट्राई कैच लगा देते हैं। ट्राई में बेसिकली क्या सीन होगा, सबसे पहले तो हम कॉन्स रिस्पॉन्स कर देते हैं, इज इक्वल टू फेच को हम, अरे ये कुछ बता दिए उसने, लेकिन ये नहीं है मेरे पास, सेफ है नहीं, तो बेसिकली उनका है https://api.openai.com/v1/chat/completion, ठीक है, उनका बेसिकली ये, तो कुछ हम इधर ये क्या है इस पर टॉपिक, अच्छा टैक चैट कम्प्लीशंस, अच्छा तो ये हो गया, एक मिनट, फैच को बेसिकली हमें उधर को चाहिए होगा, तो हम करेंगे फैच को नोट फैच से रिक्वायर, अच्छा फिर बैक एंड पे हमें फैच भी रिक्वायर करना पड़ता है। अच्छा सो ये हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट कम्प्लीट, ये URL है। इसके बाद इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हमारे पास एक NPM पैकेज भी है OpenAI का, तो आप वो भी करके उससे भी हम यूज़ करते हैं सकते हैं। पैकेज आपको दिखा दें, यही है आई गेस, यही है, ठीक है, फिर तो ये पैकेज भी इसका हम पैकेज के थ्रू भी इसके अंदर कर सकते हैं, और URL API के थ्रू करना चाहिए उस पर, अभी हम API के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ आ जाएगी, तो रिस्पांस आ गया, ये ए वेट होगा, वेट होगा तो ये एसिंक होना चाहिए, ठीक। अब इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स भेजेंगे, वो क्या है, सबसे पहले मेथड पोस्ट का आएगा, उसके बाद हेडर्स आ जाते हैं, इसमें हेडर्स में बेसिकली कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और साथ इसके ऑथराइजेशन है, ये साथ है ऑथराइजेशन, वो हम कर लेंगे बियरर प्रोसेस डॉट env डॉट OpenAI API की, ठीक है, इसको मैं .env का एक फाइल बना लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी API की डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा सो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बॉडी, स्ट्रिंगीफाई करना तो है, लेकिन हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो जो डाटा है वो आ जाएगा, इसके अलावा मैसेज आ जाएगा, मैसेज पीछे से मैसेज हमने कुछ बताया गेट किया नहीं, कैसे मैं गेट नहीं किया, तो इस तरह मैसेजेस कर लेते हैं, चले मैसेजेस कह लेते हैं, तो मैसेजेस करके हम
एक फ्रंट एंड से अरे भेजेंगे बेसिकली, तो जिसके अंदर हमारे पास चैट हमारी होगी सारी, तो वो लगा के हमने आगे भेज देंगे। उसके बाद ये क्या करता है, अच्छा कुछ नहीं करता। उसके बाद आई गेस इसका तो इतना ही काम है, ये हमारे पास आ गया चीज़। उसके बाद हम कौन जेसन कर लेते हैं वेट और सेंड भी कर देते हैं, उससे पहले हम कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेते हैं। जेसन जेसन कह रहे हैं हम, जेसन नहीं उसका नाम को चेंज कर लेते हैं, सॉरी डाटा कर लेते हैं। अच्छा नहीं, डाटा डिफाइन पहले से ही है, डाटा डाटा लेट्स सी रिस्पॉन्स डाटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, और कैच में भी अगर कोई एरर आ जाए तो कंसोल डॉट लॉग करा लें, एरर बता भी दें एरर है। अच्छा लेट मी चेक, हमने रिस्पॉन्स आ जाएगा उसके बाद रिस्पॉन्स डाटा, और बस आई गेस दैट्स फाइन, फिट है। तो इसको सेव कर लेते हैं, और एक मिनट एरर आ गया, अच्छा नॉट फेच, नॉट फेच नहीं हमारे पास पड़ा हुआ। सी डी क्या करेंगे हम, सॉरी सर्वर एन पी एम आई नॉट फेच, ठीक है नॉट फेच इंस्टॉल हो गए। रिक्वायर कॉन्स्ट फेच नॉट फेच, इसको दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा नहीं कुछ एरर कह रहा है, कुछ कह रहा है रिक्वायर नोड फेच जो है बेसिकली चेक किया तो पता चला कि जो सा है हमारे पास जो नोड फेच है इस जो लेटेस्ट वर्जन है उसने इसकी जो रिक्वायर वाली है चीज़ वो उसकी स्पॉट ख़त्म कर दी है। अब ये लेटेस्ट जो है ये वाला इंपोर्ट वाला है वो ही स्पॉट करता है, इसके अलावा ये रिक्वायर वाला नहीं स्पॉट करता। तो इसका एक तरीका है, या तो हम ओवरऑल इसको इंपोर्ट वाले ES मॉड्यूल पे ले जाएं, या फिर हम नोड फेच को एक पुराने वर्जन पे कर लें, जो कि मुझे लग रहा है नोड फेच को पुराने वर्जन पे कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले तो डायरेक्ट करके देख लेते हैं कि इसको ओवरराइड करता है कि नहीं। अच्छा या ठीक है, फिट है, चल पड़े। तो बेसिकली अभी चल पड़े, और आई गेस इसके अलावा मैंने ओपन AI जो API की है वो भी ऐड कर दी है एनवायरनमेंट वेरिएबल में। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसको ट्राई करने की बारी है। सो इसको ट्राई हम कर लेते हैं। अच्छा तो पोस्टमैन भी इसको ट्राई करेंगे हम, तो पोस्टमैन बोल लेते हैं। तो इसके अंदर इधर पेस्ट कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा बॉडी में रॉ जेसन, उसमें डाटा मैं दे देता हूँ, लेट्स से क्या डाटा था सबसे पहले तो आ जाएगा मेरे पास मॉडल GPT 3.5। सो बेसिकली अब हमारे पास मॉडल आ गया, मैसेज आ गया, मैं हेडर्स ऐड करके आता हूँ। बेसिकली वो मैंने हेडर्स भी ऐड कर दिए, ऑथराइजेशन वगैरह, इसको सेंड करके देख लेते हैं व्हाट हैपेंड। सो इट इज़ द रिस्पांस, या फिट। तो बेसिकली हमारे पास रिस्पांस आ चुका हुआ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आई हैं, आईडी ऑब्जेक्ट आ गया कौन सा है, मॉडल आ गया, यूसेज आ गया, कितने हमारे टोकन यूज़ हुए हैं,
और सब कुछ सो ऑन। उसके बाद चॉइसेस आ गए, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा मैसेज असिस्टेंट का बेसिकली। तो इस तरह इसका मतलब बेसिकली हमारे पास मैसेजेस जो चल रहा है एपीआई वो सही चल रहा है, एक तो चीज़ कंफर्म। और इसमें मेरे ख्याल से आ भी जाएगा, अच्छा हमें एपीआई चैट को शायद करना चाहिए था। खैर बताने का मकसद है इस तरह ये चल पड़ेगी। अब इसको फ्रंट एंड पे मैनेज हम कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं इस वक्त, अभी जो हमारे पास रिस्पांस आता है अगर आप देखेंगे तो इसी तरह आएगा कि थोड़ा सा टाइम लेकर हमारे पास रिस्पांस एक आएगा। लेकिन हम जो अभी चाह रहे हैं, लेट्स से चलें अभी फ्रंट एंड, इसका पहले कॉन्फिगर पहले कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ फ्रंट एंड की तरफ, ठीक। ये फ्रंट एंड आ गया, इसकी मैं स्टेट सेट करवाना चाहता हूँ। चैट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अब हमें इस चैट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले इधर, इसको भी हम इसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आ गया मैं, इधर मैं यूज़ कर लूँगा यूज़ स्टेट, ठीक है। ऊपर होगी, हाँ। तो मैं मैसेजेस और सेट मैसेजेस कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है फिट। और इसको बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी में अरे बना देता हूँ, ठीक है। अब मैसेज चैट यूज़ करें तो लेट्स से चैट पे जाने दें फिर, ताकि क्रैश ना करें हमारी, ठीक है फिट। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया, ये वाला डिफॉल्ट आ गया, चैट आ गई, ठीक है। अब इस चैट में बेसिकली हम चीज़ें करेंगे, और इसके साथ एक और आ जाएगी कॉन्स्ट इनपुट और सेट इनपुट, ताकि इनपुट भी तो हमने सेट करवानी। तो अब हम चलते हैं इनपुट की तरफ, इनपुट आ गया, ठीक। इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से ऑन चेंज, ऑन चेंज पे जाता हूँ मैं, सेट हो जाए सेट इनपुट, क्या यहाँ से आ रहा होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। सेट इनपुट ऑन चेंज पे हो रहा होगा एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इधर वैल्यू भी हम स्टोर करा देंगे, दिखा देंगे, वो है हमारे पास इनपुट की, सही। यही दो काम है, यही दो काम है, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ चलें इस पर भी कर लेते हैं, ये स्पैन आ गया, ये हमारा वो सेंड वाला बटन है, इस पर हम कर देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे अब हम इधर एक कंडीशन एक लगाएंगे कि अगर इनपुट डॉट ट्रिम, ठीक है, मतलब वो ट्रिम से बराबर अगर एम्प्टी स्पेसेस वगैरह उसमें ना कुछ दिए दी हो तो वो भी मसला आ जाता है। तो अगर एम्प्टी ट्रिम किया है इनपुट डॉट ट्रिम, हाँ ठीक है, इनपुट डॉट ट्रिम करके और मतलब एम्प्टी स्पेस हुए तो वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर डिफो है सही तो हैंडल सेंड कर देंगे, ठीक है, एल्स अनडिफाइंड, ताकि कोई ऑप्शन उस पर ना चले। ओके सो आई गेस दैट्स गुड, हैंडल सेंड का जो फंक्शन है उसको डिफाइन, एक मिनट ये क्या चल रहा है इधर, अच्छा ठीक है। अब इस हैंडल सेंड को हम डिफाइन कर देंगे, कॉन्स्ट हैंडल सेंड, एसिंग अवेट है क्योंकि उसके अंदर आ जाएगा, तो ठीक है वहाँ पे सेंड हो जाएगा तो फिट है। लेकिन इधर भी हम एक कंडीशन लगा देते कि अगर इनपुट ट्रिम, सॉरी इनपुट डॉट ट्रिम करके अगर अब इसमें वैल्यू है तो ही आगे जाए, नहीं तो ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे अगर है तो बेसिकली इस तरह की कुछ हम चीज़ करें, इसको भी मैं आगे कर लेता हूँ, फिर इसको देख लेते हैं हम कि क्या करता है ये। बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो सेट चैट करवा देगा, जो पिछली चैट है वो अपेंड कर देगा, उसके अंदर बेसिकली अपेंड कर देगा ये एक रोल यूज़र का और कंटेंट जो इनपुट उसने यूज़र ने दी है, बेसिकली चैट के अंदर अपेंड कर देगा। सेट इनपुट एम्प्टी कर देगा, बेसिकली वो आपका जो इनपुट के अंदर आपने जो लिखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। फिर रिस्पांस में HTTP लोकल होस्ट बैकेंड को कॉल करेगा, फेच रिक्वेस्ट करेगा पोस्ट द हेडर, और बॉडी में बेसिकली हमने पीछे उधर मैसेजेस चाहिए हमें, तो मैसेजेस की एक अरे सेंड करेगा जिसके अंदर पिछली चैट भी होगी और नई वाली चैट भी होगी। अच्छा पिछली चैट से क्या मतलब है, अच्छा तो इसके अंदर जो बेसिकली हमारे पास ये चैट GPT होता है या फिर जो ये हमारा फ्लो होता है, इसमें हमें पिछली चैट भी भेजनी पड़ती है OpenAI को, ताकि OpenAI को जब हम पिछली चैट भी भेजते हैं ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट रहता है। अगर आप चैट GPT से कभी करें हो कन्वर्सेशन तो आप देखेंगे कि वो जो ऊपर आपकी चैट हुई है उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही रहते हुए जवाब देता है, तो उसको वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलता है, वो बेसिकली हमें उसको वापस पिछली चैट भी सेंड करनी पड़ती है तभी वो मिलता है। अब इसको सेंड करने का तरीके, अब जैसे कि मैं ये फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ तो कभी आपकी चैट बहुत लंबी होगी तो फिर आपको बहुत लंबी अरे भेजनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। तो उसका तरीका यह है कि बेसिकली जब हम DB में स्टोर करवा रहे होंगे, अभी क्योंकि इसमें इस वीडियो में नहीं करवा रहे स्टोर हम DB वगैरह में, तो इसलिए हम ऐसे भेज रहे हैं, नहीं तो अगर आप DB वगैरह में करा रहे होंगे तो हम DB से फैच कर लिया करेंगे। सबसे पहले भेजने से पहले हम DB से फैच किया करेंगे,
और फिर बैकेंड से ही भेज दिया करेंगे, बजाय फ्रंट एंड से हम नेटवर्क टैब वो नेटवर्क के थ्रू भेजें, तो हम बैकेंड से ही कर लिया करेंगे, जो कि एक फास्ट प्रोसेस थोड़ा सा होगा। तो ये चीज़ आ गई, अच्छा उसके अंदर हम ये इस तरह भेज दिया, उसके बाद रिस्पांस डाटा आ जाएगा, रिस्पांस के अंदर जो जेसन है उसके अंदर रिस्पांस डाटा आ गया, और सेट चैट करवा देंगे हम, पिछली चैट भी और नई चैट बॉट के नाम से नहीं असिस्टेंट के नाम से, असिस्टेंट स्पेलिंग सही है ना ये, हाँ ठीक है। तो क्या रिस्पांस डाटा के अंदर आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे पास आ रहा था रिस्पांस जो आया है, रिस्पांस ये आ गया, उसके अंदर चॉइसेस आता है, और उसके अंदर बेसिकली हमारा जो जीरो इंडेक्स पर पड़ा होता है, ये चॉइसेस आ गई, ये रेक अरे है, इसका ये जीरो इंडेक्स है, इसके जीरो इंडेक्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट पड़ा होता है, टेक्स्ट नहीं है बेसिकली मैसेज पड़ा है ये, ठीक है ये देख लिए मैसेज है, तो हम वो अपेंड कर देते हैं। फिर इसके अंदर हम असिस्टेंट वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं ना, सॉरी अच्छा नहीं तुझे भी था, बस मैं भी घूमी जाता ऐसा लग रहा था, ठीक। तो इस तरह ये चीज़ हमारे पास आ गई, रिस्पॉन्स डाटा को एक दफ़ा मैं इधर कंसोल भी करा लेता हूँ, तो रिस्पॉन्स डाटा आ गया, फिट हो गया, इसको आप ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर आ गए, मैं इधर लिख देता हूँ, अच्छा इसके ऊपर भी था कि इनके ऊपर क्लिक करने से भी चीज़ें आ जाएं, वो क्या है, चैट डॉट मैप है, एल्स ये देखिए ये रीना ये वाला है एग्जांपल्स, अच्छा एग्जांपल्स में अगर हम कर दें ऑन क्लिक पे, हम चाह ये रहे हैं कि ऑन क्लिक जब वो करे तो उसके अंदर सेट इनपुट कर दे आइटम को, ठीक है। ये एरर वैसे ही आ रहा है, एरर होगा नहीं आई गेस, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे चैट में वो ये आ गए, ठीक है। तो ये सही है, अच्छा इसको मैं इस पर क्लिक करके एक नेटवर्क टैब भी साथ खोल लेता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं इसको सेंड करता हूँ, एरर आ गया मेरे पास, अच्छा यू डिडंट प्रोवाइड एन API की, यू नीड टू प्रोवाइड API की, उसको नहीं मिली, लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ API की क्यों नहीं मिली, अच्छा ये मेरा मैसेज तो शायद आ गया होगा, ये क्या है किधर है, चल अच्छा चैट की रिक्वेस्ट, अच्छा 200 दी है बेसिकली, उसने एरर नहीं हमें दिया, 200 आ गया, तो इसको भी हम देख लेते हैं किस तरह हैंडल करना है। लेकिन उससे पहले मेरा मैसेज नहीं आया, हाँ मैसेज नहीं आया, वो भी देख लेते हैं कि मैसेज क्यों नहीं आया, मैसेज तो हम उसी वक्त करवा रहे हैं, अच्छा नहीं उसके अलावा एक और चीज़ सेट चैट ही थी, हाँ ठीक है यही है, इनपुट कुछ एरर दी है उसने मुझे, एक एरर भी आ गया अनडिफाइंड, अच्छा शायद क्वेश्चन मार्क के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ताकि अनडिफाइंड भी कभी आए तो इस तरह हो जाए, चलें वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास शायद चैट नहीं उस वक्त बची फिर, अच्छा ओके। सो मैं ये API को चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो क्यों नहीं पकड़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली मैंने जोन सा है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिया था, और इसके अलावा बेसिकली उसमें मसला ये आ रहा था जो कि अभी आएगा, वो ये है बेसिकली ऑथराइजेशन को मैंने इसमें कोट्स में दिया हुआ है, इसको हम बगैर इस कोट्स के देंगे तो उसके बाद ही हमें फैच कर लेगा सही तरह, एक ये चीज़ थी। उसके बाद ही जब मैं ये चीज़ चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, तो मुझे एक और चीज़ पता चली, एक और एरर दो आ रहे थे, वो बेसिकली ये था कि हम जो सा बॉडी में चीज़ गलत पास कर रहे हैं, चीज़ गलत पास मुराद के हम डाटा एज इट इज़ पास कर रहे हैं कि मॉडल भी पास कर रहे हैं, फिर मैसेजेस भी पास कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा फिर कुछ इस तरह मैसेजेस का हम दोबारा से एक अरे सेंड कर रहे हैं, तो उसको वो समझ नहीं आ रही थी कि ये दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने ये जो मैसेजेस डालने हैं वो इसी के अंदर अपेंड करने हैं, इसी मैसेजेस के अंदर। तो उसका तरीका ये है कि एक तो डाटा सारा जो हम दे रहे होंगे वो आ जाएगा, इसके अलावा जो मैसेजेस की फील्ड है मतलब मैसेजेस वाली जो की है इसको हमने एडिट करना है, ये करे होगी जिसके अंदर एक तो डाटा डॉट मैसेजेस पड़े होंगे और उसके बाद जो नए वाले मैसेज हैं वो पड़े होंगे। तो बेसिकली ये इस तरह है, हाँ एक चीज़, तो ये दो चीज़ें थी बेसिकली फिक्स करने वाली, ये हो गई हैं। उसके बाद दोबारा इसको ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा, और कंटेंट नहीं आ रहा था, मेरा भी नहीं आया तकरीबन, उसकी वजह भी देख लेते हैं। जो बेसिकली ये चैट है आइटम डॉट मैसेज, बेसिकली यही वजह थी मुझे भी लग रहा था, किधर अब कंटेंट है आइटम डॉट कंटेंट है, उसके अंदर जो सा हमारे पास मैसेज नहीं पड़ा हुआ, कंटेंट पड़ा, रोल और कंटेंट, अब देख लेते हैं। सो एक मिनट जिसमें दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अच्छा ठीक है फिट है, चलें इसको अब दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो गया, सेंड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया हाउ टू यूज़ टेलमेंट CSS, ठीक है। और उसके बाद डिपेंडिंग में अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट है, और ये मेरे पास आ गया एरर, बेसिकली रिस्पॉन्स में हमारे पास आ जाता है
चॉइसेस, उसके अंदर मैसेज, ओके। इसकी वजह भी बेसिकली जो होगी वो ये है कि जब हम सेट स्टेट करा रहे हैं तब हम रोल असिस्टेंट दे रहे हैं और कंटेंट में फिर मैसेज पूरा हम कंटेंट करवा रहे हैं, जबकि इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। असिस्ट मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें रोल है, उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर रोल और मैसेज पड़ा होगा, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमें आई गेस क्या करेंगे हम कि ये इसको हटा देंगे, सिंपली ये कर देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाय एआई असिस्ट, ये मैसेज हम सेंड करके देख लेते हैं। हाय एआई असिस्ट, और आ गया मेरे पास हेलो देयर हाउ कैन आई असिस्ट यू। दो चीज़ें, सबसे पहले कि वो जौन सा जो चैट हमारी आ रही है, जो हमारी चैट थी उसी के ऊपर उसने ओवरराइड कर दिया, नंबर वन थिंग। उसको रिजोल्व कर लेते हैं। उसको रिजोल्व का तरीका बेसिकली ये है कि रिएक्ट 18 में, जैसे कि लास्ट टाइम भी मेरे एक दो कपल ऑफ वीडियोस पहले मैंने बताया था कि जो अब हमारे पास आता है इस तरह के फंक्शंस में, अब सेट जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो उसको इस तरह डील करता है कि इंडिविजुअली सेट नहीं कराता, मतलब कि पहले इधर आया उसने सेट करवा दिया, फिर इधर आया उसने सेट करवा दिया, और फिर उसके बाद आया यहाँ पर ये सेट करवा दिया, इस तरह। तो इस तरह नहीं होता, मतलब कि इस वक्त सेट चैट में अगर जब मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगा रहा हूँ कि पिछला चैट आ जाए, तो उसमें जो ये अपडेटेड यहाँ पर है अपडेट किया वो चैट नहीं होगी, ठीक है। वो चैट इस वक्त नहीं अवेलेबल, मतलब कि मैं सेट चैट अगर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मैं जो सा चैट करवा लूँगा, तो वो यहाँ पर इस वक्त नहीं मेरे पास होगी। इस वक्त चैट मेरे पास अपडेटेड नहीं आएगी जब मैं इसको सेट करा रहा हूँ। क्यों? रिएक्ट 18 क्या करती है, बेसिकली जितने भी सेट स्टेट्स होते हैं हमारे पास इस तरह के सेट स्टेट वाले फंक्शन, उन सबको बेसिकली वो एक स्टैक इसको सब इन सबको अलहदा कर देगी, एक स्टैक बना लेगी, और उसके बाद जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इनको इंडिविजुअली रन करेगी। तो इस वजह से इस वक्त मेरे पास चैट में जो ये वाला अपडेट यहाँ पर किया वो नहीं आएगा, तो मुझे इसके अंदर दोबारा से एक इस तरह ये करना पड़ेगा, ठीक है, कि रोल पिछला यूज़र करे और उसके बाद हमारे पास एक नई एक आ जाए। इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको ये करूँगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ हाय एआई असिस्ट, ठीक है, सेंड कर दिया। ये देखिए अब मेरे पास एक नए उसमें मैसेज में आया, नंबर वन। एक और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए लगती है वो ये है कि जो हमारे पास अगर आप देखेंगे, अगर ये तो छोटा सा रिस्पांस था तो थोड़ा सा जल्दी आ गया, लेकिन अगर रिस्पांस बहुत बड़ा है, एक पैराग्राफ है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और ये एक साथ ही पूरा आ रहा है, एक साथ ये पूरा आ रहा है बेसिकली, जबकि इसको आना चाहिए वर्ड बाय वर्ड जैसे कि चैट जीपीटी में आता है, तो उस तरह आना चाहिए हमारे पास, मीन्स इसको स्ट्रीमिंग में आना चाहिए। तो इसकी भी हमारे पास फंक्शनैलिटी जो है वो चैट जीपीटी एक मोड एक जोन सा बेसिकली जहाँ पर हम इसको भेज रहे होते हैं डाटा, वहाँ पर एक हमारे पास पैरामीटर होता है स्ट्रीम का। तो अगर हम स्ट्रीम को ट्रू कर दें तो अब हमारे पास ये डाटा एक रीडेबल टेक्स्ट में आएगा, ठीक है, एक स्ट्रीमिंग टेक्स्ट में आएगा, जिसको हम यानी कि जो चंक्स में आएगा और हम उसको उस तरह रीड करेंगे। अब इसको रीड करने के भी दो तरीके आ गए, एक तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है वो टेक्स्ट डिकोडर करके, फिर एक हमारे पास आता है सर्वर साइड इवेंट्स करके। तो इसमें अभी हम टेक्स्ट डिकोडर से के थ्रू जो सा एक बिल्ट इन है वो यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम फिर कभी सर्वर साइड इवेंट्स को भी देख लेंगे। तो क्या है, जो रिस्पांस आ गया वो हम इसको इस तरह भेजने के बजाय, सेंड करने के बजाय हम राइट करवाएंगे। राइट क्यों करवाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इधर बल्कि इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट ऑन। तो अगर इसको एक हम इसको बेशक कंसोल भी करा देते हैं कि आपको दिखा दूँगी अब रिस्पांस में क्या होगा, ठीक है, अब रिस्पांस में वो आ जाएगा, वो कह देगा रीडेबल टेक्स्ट स्ट्रीम, इस तरह का कुछ आएगा हमारे पास, ये होंगी कुछ चीज़ें पड़ी होंगी। तो रिस्पांस डॉट बॉडी डॉट ऑन ऑन डाटा है बेसिकली, ये भी कहता है बेसिकली क्या लिसन करना है, हमने डाटा को लिसन करना है, ठीक है, उसके बाद डाटा, ये एक फंक्शन है, इसको हम कह देते हैं कॉल बैक। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हम करेंगे, ये इसने टू स्ट्रिंग कर दिया तो वही चीज़ हम करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा इस डाटा को क्या उसे कहते हैं बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर तीन चार हमने स्टेप करने पड़ेंगे कि इस जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो, एक तो सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर स्ट्रिंग में नहीं है जैसे लिखा भी हो डाटा डॉट टू स्ट्रिंग में, उसके बाद आई गेस उसको
हम ट्रिम करेंगे उसके बाद, ताकि वाइट स्पेसेस ना हो. उसके बाद हम जो डैश एन है उसके साथ हम उसको वो चीज़ हम उसको ख़त्म करेंगे. डैश एन मतलब कि न्यू लाइन वाली जो चीज़ें हैं, और वो न्यू लाइन एम्प्टी है बिल्कुल, तो हम उसको रिमूव कर देंगे. तो हम इसको इस तरह लिख ही देते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइन्स आ जाएगा. तो ये कर लेते हैं, मतलब सबसे सब पहले स्ट्रिंग किया, उसके बाद स्प्लिट करेंगे स्लैश, सॉरी ये वाला, सॉरी यार एन ये होते हैं, हाँ ठीक है. इसके साथ स्प्लिट कर देंगे, मतलब कि सबसे पहले तो स्ट्रिंग कर लिया, उसके बाद स्प्लिट कर दिया उसको स्लैश एन न्यू लाइन के अंदर, जितने भी न्यू लाइन आ रहे होंगे उन सबको उसको न्यू लाइन से हम जो करेंगे उसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है. उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे इसके ऊपर. फिल्टर क्या करेंगे, बेसिकली फिल्टर हमारे पास जो लाइन आ रही होगी, ठीक है, उस लाइन को हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम करेंगे और देखेंगे कि वो इज इक्वल टू एम्प्टी ना हो स्ट्रिंग. तो क्या है, सबसे पहले डाटा को टू स्ट्रिंग कर लिया, उसके बाद स्लैश एन से हमने जो सा स्प्लिट कर लिया, और वो एक अब अरे में चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है. एक अरे बन गई है जिसके अंदर हमारे पास समझ लें लाइन ऑफ कोड्स हैं, मतलब कि फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, सेकंड लाइन क्या, और थर्ड लाइन क्या, इस तरह की. उसके अंदर फिल्टर कर दिए, उन लाइन को हमने रिमूव कर दिया है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है. कि मतलब कि बिल्कुल स्लैश एन, स्लैश एन दो दफ़ा डले हुए थे, तो एक लाइन के स्लैश एन के एक लाइन का स्पेस आ गया, लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक लाइन में है बिल्कुल टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बस ऐसी एक वाइट स्पेस है या कह लें एम्प्टी है. तो वो चीज़ उसको हमने रिमूव कर देना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे. तो कॉन्स्ट लाइन ऑफ ये वाली बल्कि कर देते हैं, फिट है. तो लाइन्स, अब ये लाइन से क्योंकि एक अरे है, इसके ऊपर हम लूप कर देंगे. उसके बाद अच्छा ये पार्स किया हुआ, इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, वो है कि जो सबसे पहला मैसेज हमारे पास आता है ना, मैसेज को कर लेते हैं. जो हमारे पास सबसे पहला मैसेज आता है वो हमारे पास आता है, उसका स्टार्ट होता है डाटा से, एक डाटा वर्ड लिखा होता है स्ट्रिंग में, तो उसको हमने रिप्लेस करना होता है एम्प्टी, उसको ख़त्म करना होता है बेसिकली, क्योंकि उसके अलावा पार्स नहीं उसे ही होता. वो एक स्ट्रिंग तो होती है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर एक डाटा करके वो नाम आ जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरह पार्स नहीं होगा, तो उसको रिमूव करना है हमने. तो उसको रिमूव कैसे करेंगे हम, इस तरह के तो हम करेंगे स्लैश, ये वाला हेड सिंबल डाटा स्लैश, बेसिकली इससे हम ये कर देंगे. क्या है बेसिकली, इसके अंदर ये बताता है कि अगर डेटा वर्ड जो है वो अवेलेबल है स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग में अवेलेबल है तो उसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, ठीक. अच्छा मैसेज वो नीचे एरर दे रहा है कि मैसेज आ गया. इसके अलावा फिर एक आ जाएगा हमारे पास मैसेज, हम कंसोल भी करा सकते हैं, मैसेज कंसोल करा लेते हैं, ठीक है. और ये वो कि इस इन चीज़ों की एरर दे रहा है, एक मिनट इसको हटा देते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ़ मैसेज, जो हमारा सबसे आखिरी वाला मैसेज होगा ना वो हमारे पास आता है डन का. अब मैं आपको रिस्पांस दिखा भी दूंगा, हमारे पास मैसेज क्योंकि आ रहे हैं तो उसमें मैं आपको रिस्पांस दिखा भी दूंगा. तो हमारे पास वो आखिरी आता है, टेक्स्ट आ रहा होता है सिंपली डन का, उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा होता. उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड यूज़ करेंगे. एंड क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब मैसेज सेंड जो हमने भेजना होगा फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स, वो हम राइट से भेजेंगे. अब पहला सवाल, राइट रिस्पॉन्स डॉट राइट और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या फ़र्क है, रिस्पॉन्स डॉट राइट वर्सेज रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या फ़र्क है. जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि अगर आप देखें तो इसने बता दिया क्या करेगा, जो सेंड हम करते हैं वो क्या उसे कह लें आप, ये स्ट्रीम स्पॉट नहीं करता. सिंपल सी बात बताता हूँ, रिस्पॉन्स टू सेंड जो है वो स्ट्रीम स्पॉट नहीं करता. इसको आप अगर सेंड करेंगे तो ये एक मैसेज आपको सेंड करके भेज देगा, ठीक है. एक रिस्पॉन्स सेंड बेसिकली सिंपली कर देगा. अगर मैं इसको, अगर मैं इधर यहाँ पर कर देता हूँ मैसेज, तो बेसिकली ये वही काम करेगा जो उधर कर रहा है, कि रिस्पॉन्स पे मैसेज सेंड कर देगा मुझे एक दफ़ा, वन टाइम, ठीक है. अब राइट क्या करेगा, राइट मुझे मैसेज सेंड करता रहेगा, राइट एबल डाटा टू द स्ट्रीम. तो क्या बेसिकली, अगर मुझे डाटा चाहिए, कॉल बैक चाहिए कि बार बार मुझे डाटा आता रहे, जो हमारे पास वैल्यू है वो चंक में डाटा आ रहा है और वापस मुझे बार बार चाहिए, मुझे थ्री लाइन्स ऑफ कोड चाहिए, तो फिर मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट करूँगा. इसको बेहतर समझाने के लिए मैं इधर लिख भी देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वर्सेज रिस्पॉन्स डॉट राइट, ताकि क्लैरिटी हो जाए. तो ये एक आ गई है. इसके अंदर कहता है रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज ओनली अवेलेबल इन एक्सप्रेस डॉट जेएस में, ठीक है. परफॉर्म मैनी यूजफुल टास्क फॉर नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज, जो नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन अभी हमारे पास स्ट्रीमिंग नहीं है. अच्छा, तो यही सबसे मेन चीज़ थी, कैन ओनली बी कॉल्ड वंस,
ये सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होती है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके कर दिया आपने तो एक दफ़ा कॉल होगी, क्योंकि ये रिस्पॉन्स डॉट राइट और रिस्पॉन्स डॉट एंड होता है, क्योंकि वही बात है कि जब हम रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज़ करते हैं तब हमें एंड भी करना पड़ता है, लास्ट भी एंड नहीं करेंगे तो एरर देता रहेगा, लूप पे चला जाता है। कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम टू प्रोवाइड सक्सेसिव पार्ट ऑफ द बॉडी, वही स्ट्रीमिंग वाला पार्ट, जैसे कि ये आगे रिस्पॉन्स राइट राइट, तो ये इस तरह रिस्पॉन्स में हमें वो भेजेगा, चंक्स में ये डाटा जा रहा है, और जब रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देंगे तो वो वहाँ पर खत्म कर देगा। तो ये सबसे पहले बेसिक है इसका, तो इसी वजह से हम जो है रिस्पॉन्स डॉट राइट यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, और जो से हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेंड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे कि अभी ये आ रहा है मेरे पास, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं, और इसी तरह यही सारी चीज़ें जो थी मुझे फ्रंट एंड पे भी आ रही होंगी, तो मुझे फ्रंट एंड पे उसको डीस्ट्रक्चर करना और ये सब कुछ निकालना, जो कि मेरे लिए इस वक्त ज़रूरी चीज़ें नहीं है, आई गेस आईडी वगैरह ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, अभी मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो उसके लिए ये अननेसेसरी चीज़ें उनमें से उधर फ्रंट एंड पे डीस्ट्रक्चर करने की बजाय मैं यहीं पर डीस्ट्रक्चर कर दूँगा, तो उसको क्या करने का तरीका है, अब मैंने इधर मैसेज आई गेस करवाया हुआ ना कुछ सॉल्व, तो इसके अंदर मैसेज भी आपको पता चल जाएगा कि मैसेज क्या आता है, बिल्कुल अभी राइट हम करवा देते हैं। ठीक है, सिंपली अभी हम राइट करवा देते हैं और जब खत्म हो जाएगा तो टर्न हो जाएगा, ताकि मैं सिर्फ रिस्पॉन्स आपको दिखा सकूं कि हमने इसको डिस्ट्रक्चर क्या करना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं, तो ये सेव हो गया, अब मैं इधर कुछ मैसेज टाइप कर देता हूं, हेलो, ठीक है, सेंड करूंगा, मेरे पास आ जाएगा प्रीव्यू एम्प्टी आया, अच्छा एक मिनट, ये मेरे पास आ गया बल्कि यहाँ पर, अच्छा क्या हुआ, ये मेरे पास आ गया, तो ये मैं कह रहा हूँ डेटा, ये डाटा उसने बेसिकली उसको ये रिप्लेस कर दिया उसके साथ, अच्छा ये डाटा आ गया मेरे पास, मैसेज ये क्या है, रिस्पॉन्स, हाँ ये जो सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स कंसोल कराया था सिंपली वो है, उसके अंदर बेसिकली ये देखें साइज टाइम आउट बॉडी, बॉडी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ये रीडेबल स्टेट है, इवेंट्स है इसमें, राइटेबल स्टेट है, तो ये वो है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक स्ट्रीम डाटा है, ठीक है, तो बॉडी में पड़ा हुआ, तो इसलिए हम वहाँ से कर रहे हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ ये देखें, अब ये यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डाटा, जो जो चीज़ें बतानी थी मैंने वो दो चीज़ें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होगा इस तरह मैसेज का, अगर हम मैसेज डायरेक्ट कर देंगे फ्रंट एंड को तो ये हमें ये देखें कितना कुछ डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, पहले पास डाटा है, डाटा के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ होगा चॉइसेस के अंदर आ जाएगा डेल्टा के अंदर आ जाएगा रोल और आगे कॉन्टेंट, लेकिन उसके अंदर भी मसले दो हैं कि पहले मैसेज में कॉन्टेंट नहीं होता सिर्फ रोल होता है, एक चीज़ ठीक हो गया, बाकी मैसेज में सिर्फ रोल आता है और बाकी सब में कंटेंट आता है, एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ जो आखिरी मैसेज है उसमें डेल्टा एम्प्टी होता है, उसके अंदर ना कंटेंट होता है ना रोल होता है, ये दो चीज़ें होगी, ये फ्रंट एंड पे हमें डील करनी पड़ी, हैंडल करनी पड़नी थी। और तीसरी चीज़ ये है कि ये देखें जब आखिरी मैसेज आता है तब वो सिंपली डन का मैसेज आता है, एक स्ट्रिंग आ जाती है डन की, तो इसलिए हमने उस अगर मैसेज डन की इक्वल है तो रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया वहाँ पर। अब हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस राइट इसलिए नहीं कर रहे, हम इसकी बजाय करेंगे डाटा को पास्ट, और डाटा को पास करते हुए हम डिस्ट्रक्चर करेंगे चॉइसेस, जो बेसिकली हमें पता है कि डाटा में से आ रही है चॉइसेस आ गई, अब चॉइसेस वो कह रहा है सेंड कर दो, लेकिन नहीं इधर भी अभी एक चीज़ है वो क्या कि हमें पता है कि चॉइसेस के अंदर पड़ा होता है हमारे पास एक चॉइसेस एक अरे है, जैसे कि ये देखेंगे चॉइसेस एक अरे है, उसके अंदर डेल्टा पड़ा है, उसके अंदर कंटेंट पड़ा है, तो हमें कंटेंट चाहिए, तो कॉन्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू चॉइसेस डॉट डेल्टा, क्योंकि डेल्टा तो आई गेस हर किसी में है, ठीक है, डेल्टा सब में, तो डेल्टा के अंदर निकाल और फॉल बैक के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ठीक है, कि इसमें से वो कंटेंट निकालो, हाँ ये अगर तो कंटेंट है तो हम रिस्पॉन्स डॉट राइट कर देंगे सिंपली कंटेंट नथिंग एल्स, कुछ डाटा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंटेंट हम कर देंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं, और अब दोबारा से मैं करता हूँ, अच्छा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ हाय एआई असिस्ट, ठीक है, मैसेज सेंड कर देता हूँ, लेट्स सी, तो ये मेरे को फेल्ड हो गया फॉर सम रीज़न, एरर चेक कर लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन डी जेसन, अच्छा तो बेसिकली एरर क्या है, डाटा रिमूव, बेसिकली वो पार्स नहीं कर पा रहा, और वो इस वजह से क्योंकि उसके पास डाटा स्ट्रिंग ये कमटी है तो सही, लेकिन इसके साथ डाटा भी तो आ रहा है, आई गेस अगर हमने इसको सही रिमूव किया, क्योंकि मुझे डाटा कॉलन रिमूव करवाना है, इसको देख लेते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं,
फिर एरर आ गया, सेम एरर, माय बैड, सॉरी। बेसिकली क्योंकि ये रिजेक्ट है एक, तो इसके लिए फिर हमें कोर्ट्स नहीं चाहिए, कोर्ट से फिर वो एग्जैक्ट डाटा ढूंढेगा, हमने नहीं, इस तरह से सिर्फ चाहिए। लेट्स ट्राई अगेन, आई होप दिस टाइम इट्स वर्क, एंड इट इज़। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो बेसिकली अब हमारे पास ये आ रहा है रिस्पॉन्स में डाटा, और चंक्स में आ रहा होगा वो मैं बता दूंगा जब एक बड़ी सी मैं आपको पास करवाऊँगा चैट। तो बेसिकली उसका रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने फ्रंट एंड पे अब ये चीज़ तो यहाँ पे कर ली, अब फ्रंट एंड पे भी इसको हमने रीड करना है टेक्स्ट डिकोडर के थ्रू, इसको हमने रीड करना है बेसिकली जो हमारी स्ट्रीम आ रही है, तो फ्रंट एंड पे भी करेंगे। तो फ्रंट एंड पे चलते हैं, तो जब हमारे पास ये चीज़ आ रही होगी इसके अंदर क्या करेंगे अब हम, तो इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, सॉरी, इसकी जगह क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट रीड डाटा, ठीक है, इसको अब हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट पाइप थ्रू, ये आ गया न्यू टेक्स्ट डिकोडर स्ट्रीम करेंगे, और उसके बाद डॉट गेट रीडर, इसे बेसिकली हम हमारे पास रीड डाटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इसके अंदर डाटा रीड करने हमने जैसे कि उसने बताया भी है, लेकिन वो किस तरह अब हम करेंगे उसके लिए हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल ये चीज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है, वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है मतलब इसको लूप से चला देंगे, खुद ही हम ब्रेक करेंगे। तो अब क्या है, अवेट रीड डाटा डॉट रीड के अंदर से दो वैल्यूज़ हम डिस्ट्रक्चर करें, एक डन की और एक वैल्यू की। डन में बेसिकली ट्रू फॉल्स आता है, और वैल्यू में बेसिकली जो भी चंक बाय चंक फ्रंट एंड बैक एंड भेज रहा होगा, जैसे हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह चंक बाय चंक जो वैल्यू भेज रहा होगा वो हमें क्या करेगा, सॉरी, जो हमें चंक बाय चंक डाटा भेज रहा होगा हम उसको इस वैल्यू के थ्रू गेट कर रहे होंगे। तो अगर तो डन ट्रू हो जाता मतलब कि कंप्लीट हो गया, तो वहीं पे ये ब्रेक करते, ठीक। एल्स पार्स करने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें स्ट्रिंग में ही आ रहा है, और वैसे ही हमने डाटा स्टोर करवा देना है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है जो देखने वाली, इसको भी मैं हटा देता हूँ, सॉरी अभी हट गया, एक ये चीज़, एक ये चीज़, अच्छा वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा वो फंक्शनैलिटी डालनी है कि वो टाइप होता रहे वर्ड बाई वर्ड, वो किस तरह होगी उसको देख रहे हैं अब हम, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम एक लेट करेंगे एआई रिस्पांस एक वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक एम्प्टी होगा, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक। उसके बाद वाइल ट्रू जब तक है, अगर इफ़ डन हो गया तो ख़त्म बात, एल्स अब इसमें आ गया तो इसमें क्या करेंगे हम एक रिस्पॉन्स में वैल्यू अपेंड करते रहेंगे, क्योंकि सेट नहीं हम करवा सकते हैं क्योंकि मैंने बताया सेट वो बार बार सेट नहीं होगी ट्रू, ये अगर लूप में एक ही दफ़ा एंड पे जाकर वो जो आखिरी वैल्यू होगी वो सेट करा देगा, तो वो नहीं कराना हमने, अपडेटेड कराना। तो अपडेटेड हमें कैसे मिलेगी, हम किसी वेरिएबल में रखवाना पड़ेगा, तो एआई रिस्पांस में हम अपेंड करते रहेंगे वैल्यूज़ उसकी, ठीक है, अपेंड कर दी और उसके बाद हम सेंड कर देंगे। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका तरीका क्या है, अपेंड हो गया और हमने कर दिया, लेकिन उसके अंदर अब हम इधर सिंपली कर सकते हैं सेट स्टेट, सेट स्टेट तो कर देंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से चलें प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए भी इजी हो। लेट्स से आप कहते हैं ये कर दें हम, ठीक है, क्योंकि रिस्पांस में डाटा तो आ रहा है, रिस्पांस कर देते हैं। एआई रोल, एआई तो नहीं, असिस्टेंट का रोल दे देते हैं, और इस तरह आप कह रहे हैं हम कहते हैं इस तरह हम कर देते हैं, फिट है। और हमने वो भी करना होता शायद, ये कर लें हम, ठीक है, या वो हैंडल तो कर ही रहा होगा कि नहीं, फिर इस चीज़ की ज़रूरत वैसे हमें है नहीं, लेट्स सी, इसको देख लेते हैं बाद में, हम इस तरह आप कह रहे हैं करते हैं, तो इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट्स सी क्या मसले से आते हैं, ये एरर क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं। मैसेज डन है, तो क्या मसला है इसको, पार्स मैसेज डन आ तो गया, तो अगर मैसेज डन है तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, लेट्स सी, इसको देख लेते हैं मेरे बाद में, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं सिर्फ ताकि सेव हो जाए मेरे पास, ठीक है। टेक्स्ट डिको, हाँ ये एक चीज़ थी जो मैं देख रहा था, मुझे याद आ गया, वो ये है कि टेक्स्ट डिकोडर बेसिकली वो कह रहा है इज़ नॉट डिफाइंड, हालांकि ये एक बिल्ट इन ही है लेकिन वो अनडिफाइंड कहता है। तो अब ये कोई जावास्क्रिप्ट का बग है या क्या इसको हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर हम बेसिकली सिंपली एक
जो हमारे पास एरर होता है डिसेबल करने का, कि इस लेंट को यहाँ पर, इस लेंट जो है हमारे पास जो हमारे एरर वगैरह ये सब कुछ डिटेक्ट करता है, उसको हम डिसेबल करते थे नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब कि सिर्फ इस लाइन के लिए हम उसको डिसेबल करते थे। और मज़े की चीज़ ये थी कि डिसेबल करने के बाद वो चलने लग जाता है, सिर्फ लाइक सिर्फ का कि डिसेबल कर, डिसेबल से मेरा ये नहीं कि सिर्फ उसको डिसेबल कर दिया फंक्शनैलिटी उसमें तो फिर भी नहीं हो, फिर ऐसा नहीं है, फंक्शनैलिटी भी होती है उसमें। सो राइट हाई असिस्टेंट, सेंड कर दिया, रिस्पॉन्स आ गया, हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू, परफेक्ट, हाउ आर यू, सेंड कर दिया, फेल्ड हो गया नेक्स्ट टाइम। ओह अच्छा, मतलब वो फर्स्ट टाइम दे देता रिस्पॉन्स, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स देने के बाद वो एंड हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स दे देता कंटेंट में, लेकिन उसके बाद बेसिकली यहाँ पर हम इसको रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि शायद वो दोबारा पार्ट्स में चला जाता है, इसको रिटर्न यहाँ से करा देते हैं। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है, और अब सही सही चल रहा है। फिट वर्किंग परफेक्ट, बेसिकली अब सही चल रहा है, तो वही रिटर्न का मसला था, तो रिटर्न करवा दिए, उसके बाद ये सही चलने लग जाएगा, ठीक हो गया, रिटर्न मिसिंग था। अच्छा, सो नाउ आई गेस इट्स वर्किंग फाइन, एक रिफ्रेश कर लेते हैं। सो बेसिकली इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं ऐसे ही, तो हाउ टू यूज़ दैट से मैंने ये कर दिया। अच्छा मैं, बल्कि एक ने कोई चीज़ दिखानी थी, चंक्स में डाटा आता किसी, तो जब मैं इस पर सेंड करूँगा ना, अगर आप ये साइज़ को देखेंगे, देखें साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, इसका मतलब चंक्स में डाटा आ रहा है, तो ये आ गया बेसिकली। अच्छा ये बेसिकली वो है, प्रोफाइलर मैंने ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से। अच्छा हाँ, इसको देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई, वो ये, अगर आप देखेंगे तो ये कितना बुरा लिख आ रहा है, बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं है, हालाँकि जो हमारे जो है क्या कहते हैं सॉरी ओपन AI, वो हमें एक फॉर्मेटेड फॉर्म में डाटा देता है, लेकिन रिएक्ट उसको ख़त्म कर देती है। तो उसको कैसे लाना है, तो उसको लाने का तरीका ये है कि बेसिकली कहाँ गया, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं शायद ये, उसका तरीका मेरे ख्याल से एक क्लास है ब्रेक, उसका तरीका ये है कि बेसिकली हम स्टाइल एक कर देंगे, वो है एक मिनट इधर आ क्यों नहीं रहा, वाइट स्पेस, हाँ वाइट स्पेस ब्रेक स्पेसेस, ठीक है। तो इसको अगर सेव कर लेते हैं, एज यू कैन सी, तो ये मेरे पास ब्रेक स्पेसेस आ गए, तो बेसिकली जो भी फॉर्मेट आ रहा होगा उसके अंदर कर लेते हैं, तो ये इस तरह आ जाएगा, तो एग्जांपल कोड भी हमारे पास आ जाएगा, तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेटेड फॉर्म में डाटा आ गया, परफेक्ट। उसके बाद हम इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे थे, तो इसको मतलब ये होता है व्हाट इज़ माय फर्स्ट मैसेज, उसको ये पूछ लेते कि फ़र्स्ट मैसेज क्या है हमारा, हेलो, अच्छा हेलो था, आर यू श्योर, ओह ये बेसिकली वही मसले यार, मतलब आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, बिल्कुल मैं देखना चाह रहा था कि हमारे पास आ गया। अच्छा हाउ टू यूज़, हेलो क्यों दिया इसने, क्योंकि अलग हम दे भी नहीं रहे, तो आई गेस क्या वजह हो सकती है, रिफ्रेश तो कर लिया, लेकिन क्या पता, लेट्स सी, इसको बाद में देख लेंगे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, सो आई गेस इट्स वर्किंग फाइन, एक चीज़ ये हो गई है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक चैट हिस्ट्री क्रिएट हो जानी चाहिए, उसका तरीका ये है कि न्यू चैट पे हमने स्पेलिंग मेरे चेक करें, सॉरी ये क्यों ऐसे आ रहा है, एक जगह रह गई, ये रहा सही हो गया। अच्छा इधर मैं चाह रहा हूँ इधर भी बेसिकली हो जाए,
नाम आ जाए। तो नाम का तरीका कार ये है कि यहाँ पर अब हम एक दोबारा से एक कॉल करेंगे, आप कॉल करवा सकते हैं या फिर लेट्स से एक मैं तो कॉन्स्ट कर लेता हूँ ए आई चैट हिस्ट्री कह देते हैं, चैट हिस्ट्री ठीक है, और सेट चैट हिस्ट्री, इसके अंदर चैट हिस्ट्री आ जाएगी। वो ये है कि या तो मैं बैकएंड पे वो कर सकता हूँ कि उसके बाद जब सारा प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद ये चीज़ हो जाए, जैसे कि रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स के बाद रीड हो गया डाटा, राइट भी हो गया, उसके बाद अब क्या हो ये मैं बता दूँ। अब क्या करें, वो दोबारा से एक रिस्पॉन्स बना के भेजेंगे हम, ये एक पोस्ट की होगी ना, एक और हम बनाएंगे ऐप डॉट पोस्ट एपीआई चैट टूनी टाइटल, टाइटल के लिए बनाएंगे ठीक है, या फिर बार बार टाइटल बनाना अच्छा है कि नहीं चलें इसको भी बना लेते हैं, इसको भी उसके बाद रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा देंगे। अब ये क्या करेगा काम, सबसे पहले तो ये एक टेक्स्ट लेगा, अच्छा सर ये डिविंची इंजन्स वगैरह फिलहाल पता नहीं क्या कुछ दे रहा है, लेकिन खैर अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक टाइटल मैं जनरेट मैं भेजूँगा, उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, इसके अंदर क्या है इसका मेरे ख्याल से खाली कम्प्लीशंस होता है, ठीक है चेक कर लेंगे बाद में। अच्छा अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, अच्छा सही सॉरी ये तो हो गया, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद पोस्ट हेडर सब कुछ वही चीज़, अच्छा प्रॉम्प्ट टाइटल मैक्स टोकन टेम्परेचर टॉप पी ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही वन होता है, ये सब कुछ वैसे ही होती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है वो ये है एन की, बेसिकली नंबर ऑफ वो इसके अंदर बताता है कि कितने चॉइसेस, या जैसे मैं टाइटल जनरेट करवा रहा हूँ तो कितने मेरे पास रिजल्ट होने चाहिए, मुझे तो मुझे सिर्फ एक रिजल्ट होना चाहिए। प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे कि राइट टाइटल फॉर फॉलोइंग आर्टिकल, इसके लिए मैं एक बता देता हूँ इस तरह, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास फिट है रिस्पॉन्स आ गया, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ सॉरी इस तरह रिस्पॉन्स डॉट जेएसएन, अब इसमें से आता है मेरे ख्याल से फिट है टेक्स्ट आता है इसमें से, ठीक है डाटा डॉट चॉइस अच्छा एक चीज़ मिस है वो है ट्राई कैच, बेसिकली इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ट्राई कैच जो है फैच जो है वो ट्राई कैच को भी कभी कभार नहीं मोस्टली चकमा दे जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं जो कि 200 होते हैं वैलिड होते हैं और वो कैच में कभी एंटर ही नहीं होते और हम खपरे होते हैं मसला के चल रहे, हम उसको भी देखेंगे किसी दिन। अच्छा ये हमने एक बात उसे कर दी ठीक है फिट, एक चीज़ इसको सेव कर लेते हैं ताकि चेंजेस आ जाए। अब क्या है जब ये हो जाए अब क्या करना हमने, कॉन्स्ट टाइटल, टाइटल नहीं लेट से क्रिएट टाइटल, तो क्या करेगा ये अवेट फंक्शन फेच करेगा लोकल होस्ट क्रिएट टाइटल के नाम से, नहीं बेसिकली किस नाम से टाइटल, टाइटल के नाम से ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। वही चीज़ें पोस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप दैट्स इट और बॉडी, इसमें क्या जाएगा बेसिकली टाइटल में इनपुट चले जाएगी। अच्छा एक और चीज़ इसमें है वो चले हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, इनपुट चले जाए फिट है लेकिन हाँ ठीक है इनपुट ही कह देते हैं, क्योंकि मैं चाह ये रहूँ कि हर बार ये चाहे कॉल होगा हर बार कॉल नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्ट टाइटल क्रिएट टाइटल डॉट जेसन और फिर सेट हिस्ट्री टाइटल और चैट अभी सिंपल रखते हैं, मैं सिर्फ शो करवाना चाह रहा हूँ हिस्ट्री ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सिंपली जो पिछली चैट हिस्ट्री है उसको बरकरार रखते हुए सिर्फ एक टाइटल सिर्फ टेक्स्ट आएगा ना, एक नया ऑब्जेक्ट डाल दें टाइटल का और उसमें टाइटल ऐड कर दें, फाइन दैट्स इट, बस इतना सा काम है।
करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ सोच रहा ये था कि हमारे पास आ जाएगा, चीज़ें चल जाएंगी कि नहीं, वो तो चला के पता चलेगा। अच्छा नहीं, चैट हिस्ट्री आ गई, इसको सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, चैट हिस्ट्री का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। लेट्स से सिंपली मैं हाई एआई असिस्ट कर देता हूँ, सेंड किया, बोल जाएगी और मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ गया जिसके टाइटल में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, लेट्स चेक इट आउट, नो प्रॉपर्टीज, वाह। और वो इसलिए क्योंकि स्टेटस नहीं, सॉरी स्टेटस था ना, स्टेटस 200.json टाइटल के अंदर चॉइस, एक तो हमें यहीं पे कंसोल डॉट लॉग करा लेना चाहिए डाटा। अच्छा नहीं, ऐप क्रैश हो गई थी ये, अच्छा नहीं नहीं पिछले ये, सॉरी। तो दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करते हैं, आगे रिस्पॉन्स, नो प्रॉपर्टीज, क्या मुस्लिम सेल चल रहे हैं इसके साथ। यू मस्ट प्रोवाइड अ मॉडल पैरामीटर, ओह या श्योर। अच्छा, बैकेंड पे एक मॉडल भी हमें इसको देना पड़ेगा मॉडल का पैरामीटर। तो डेविंची क्या होता है वो, इसके अंदर ओपन एआई पे चेक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्स्ट कंप्लीशन, मॉडल में आ जाते हैं अभी GPT-4, ये आ जाएगा टेक्स्ट डेविंची 002, ठीक है, ये यूज़ करते हैं, फिट हो गया। वो बेसिकली एरर आ रहा था यार, दैट्स व्हाई। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, सेंड किया, नेटवर्क टैब, टाइटल आ गया हमारे पास, हाउ टू बी अ गुड एआई असिस्ट, फिट 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 हो गया। अच्छा, और जो इसमें स्टोर है वो पिछले दो टाइटल एम्प्टी हैं, सो दैट्स व्हाई अब इसमें आ गए सही। अच्छा, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट में आया है, टाइटल है उसके अंदर, टाइटल है, ओहो टाइटल के अंदर टाइटल में करा रहा हूँ, जब मैं टाइटल भेज रहा हूँ इधर वैसे ही ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो मुझे फिर उधर ऑब्जेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी। इस तरह मैं सिंपली टाइटल लिख सकता हूँ, ठीक। वन थिंग, अब आ गया हमारे पास बेसिकली चैट हिस्ट्री में डाटा। तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इतने ज़्यादा ये किए हुए थे, इसकी जगह मैं डालूँगा सिंपली चैट हिस्ट्री, और माई हिस्ट्री की जगह मैं डाल दूँगा आइटम डॉट आइटम, फिट, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, ये वही आगे बात, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट पड़े हैं उसमें। तो मैं लिख देता हूँ हाय एआई असिस्ट, ठीक है, सेंड किया, रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास एआई असिस्ट, इधर भी मेरे पास आ गया, मैं इस्तेमाल कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा सा इसकी एक मिनट नीचे ले आता सारा चीज़ें, तो ये मेरे पास क्यों इस तरह आ रहा है। अच्छा, एक तो ये स्पैन किसी उसमें नहीं है, तो मैं इसको एक तो कोई स्पैन अच्छी ऑप्शन दी थी उसने, टेक्स्ट लेफ्ट करके कर देते हैं इस तरह, ठीक है, ताकि इस तरह सही हो जाएगा, फिट, परफेक्ट। अब क्या है, मैं इधर एक और लिखूंगा ना तो वह एक और आ जाएगा, जैसे कि हाउ आर यू, मैं ये लिखूंगा ना तो रिस्पॉन्स तो दे देगा, लेकिन प्रिपेयरिंग फॉर रिटायरमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट अ 3 words टाइटल फॉर द फॉलोइंग आर्टिकल, फॉलोइंग प्रॉम्प्ट कर देते हैं, ठीक है, टाइटल 3 words सिर्फ, अगर ज़्यादा ना है, ठीक है, और आई गेस दैट्स फाइन, फिट है। अच्छा, ये अपेंड हो जाने क्योंकि इसके अंदर अपेंड का सीन है, तो ये मैं कह रहा था इस पर रिस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे, वो रिस्ट्रिक्शन इस तरह लगेंगे कि फिर हमें एक टाइटल डालना पड़ेगा, या लेट्स से आईडी डाल देते हैं, ठीक है,
लेट्स से कॉन्स्ट, मैं कह देता हूँ टाइटल डाल देता हूँ, टाइटल बेहतर है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? मकसद इसका ये होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम आएगा, जब सब कुछ हो जाएगा, टाइटल इधर से आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट में आएगा, तो मैं क्या करूँगा सर, टाइटल में टाइटल कर दूँगा, टाइटल डॉट, सॉरी डॉट टाइटल करूँगा, टाइटल डॉट टाइटल आ रहा है ना, हाँ टाइटल डॉट टाइटल कर दूँगा, मतलब बेसिकली इसमें सेट टाइटल करवा दूँगा मैं। अब जब नेक्स्ट टाइम जाएगा ये दोबारा आया, तो मैं करूँगा इफ़ टाइटल अगर नहीं है तो ही ये चीज़ चलाए, फॉर्मेट करते अगर टाइटल नहीं है तो ही ये चीज़ चले, एल्स ना चले यार, बार बार क्यों चले। लेट्स टेस्ट दिस आउट, ये रिफ्रेश हो गया होगा, हेलो एआई असिस्ट, ठीक है, सेंड किया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, हेलो एआई असिस्टेंट फिट हाउ आर यू, सेंड किया, रिस्पॉन्स आया, लेकिन रिस्पॉन्स इधर नहीं किया, दैट्स व्हाट आई वांट। अब न्यू चैट पे क्लिक करने का कर देते हैं, इस पर क्या करेगा, ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ कुछ फंक्शनैलिटीज, जैसे कि एक तो सर चैट और सर टाइटल, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी तो बेसिकली इसका मतलब सब कुछ दोबारा से एक नया प्रोड्यूस होगा, ठीक। चैट हिस्ट्री तो नहीं उड़ाना, बस ठीक है, फिट है, लेट्स टेस्ट दिस आउट, मैंने न्यू चैट कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं पूछता हूँ हाउ टू यूज़ टेलवेंट सी एस एस, इसका रिस्पॉन्स आएगा बेसिकली मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास, अब आया, सॉरी अब आ गया, इधर भी आ गया, हाउ टू यूज़ टेलवेंट सी एस एस, परफेक्ट, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब दोबारा मैं कर दूँगा, ओ दैट्स ग्रेट, ठीक है, सेंड कर दिया, दैट्स इट, अब दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हुआ। अब इस पर क्लिक करने से बेसिकली मेरे पास क्योंकि वो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, लेट्स से चैट अभी स्टोर नहीं है, हाँ करवा सकता हूँ, चलें करवा लेते हैं, करवाने से मेरा ये होगा कि अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सारा डाटा यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कहीं डीबी वगैरह में स्टोर नहीं करा रहा, तो यहाँ से डाटा उड़ जाएगा। उसका तरीका ये है सिंपली कि जैसे जैसे ये थी कि जहाँ पे चैट हिस्ट्री मैं क्रिएट करवाता हूँ टाइटल के अंदर, उसके अंदर मैं दो चीज़ें रखवा लिया करूँ, ठीक है, उसका मतलब जैसे ये एक टाइटल और एक चैट, यूँ परफेक्ट। एक तो लेकिन नहीं, उसके अंदर भी मसला जो है वो ये है कि उसके बाद एक दफ़ा होगी, लेकिन हर दफ़ा ये भी नहीं होगा ना, सो इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मतलब अभी हम कर सकते हैं कि जब भी डाटा स्टोर हो रहा हो तो उसके अंदर चैट सेट, इधर जहाँ पे सेट चैट करवा रहे हैं उसके बाद हम वही चीज़ सेट हिस्ट्री में भी रखवा दें, लेकिन फिर हमें वो ढूंढना पड़ेगा टाइटल, कि ये टाइटल जहाँ पर हो और इस तरह की चीज़ें, जो कि मैं अभी इस में नहीं पढ़ना चाह रहा, सिंपल उसको रहने दे रहा, क्योंकि डीबी यूज़ करेंगे तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मोस्टली डीबी यूज़ करेंगे, तो या न्यू चैट दोबारा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जेएस करते थे, लेट्स से टेलवेंट विद नेक्स्ट जेएस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही तरह काम कर रहा है, रिफ्रेश करेंगे उड़ जाएगा, रखना चाहें तो रख सकते हैं, लोकल स्टोरेज में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कर रहे होंगे एक रियल टाइम में, और ना करनी चाहिए, तो ये सब कुछ डाटा डेटाबेस में हो रहा होगा। सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, हमने एक चैट जीपीटी बेसिकली क्रिएट करवा ली है। अब जो बेसिकली ये चीज़ हुई है, हमने जो जनरेट कराया ये फ़ौरन जनरेट हो जाता है, आप चाहें तो इसको भी जैसे हमने ये स्ट्रीम किया इसको भी स्ट्रीम कर सकते हैं, तो इसके लिए वो बेसिकली एक तो अगर आप टेक्स्ट कंप्लीशन पे जाना चाहते हैं उस पर कर लें, मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर हमने ये किया है मॉडल, यहाँ पर इसका इसको भी स्ट्रीम भेज दें तो ये भी ट्रू हो जाएगा आई गेस, तो ट्राई कर लें, अगर नहीं होता तो फिर हम दोबारा एक और चैट की यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास है, चैट वाली कंप्लीशन है, हम वो यूज़ कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, अगर कंप्लीशन सिंपल टेक्स्ट कंप्लीशन पे हो जाती है तो परफेक्ट है, तो या सो आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो, कुछ चीज़ इसमें ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, और कुछ इसमें चीज़ ऐड करनी हो या कोई फंक्शनैलिटी वगैरह तो वो भी कर सकते हैं, बेसिकली भी मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि इसको कोड में कन्वर्ट करना है, तो वो एक चीज़ है वो कर सकते हैं आप, ये आपका टास्क है, आप इसको करें कि वो किस तरह आप कर सकेंगे, ताकि क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर प्रोजेक्ट में हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिस कर जाता हूँ, छोड़ जाता हूँ कुछ पर्पसली, कुछ
नॉन पर्पसली, लेकिन बेसिकली जो छोड़ के जाता हूँ उसका पर्पस यही होता है कि आप उस चीज़ को ट्राई करें, क्योंकि आपने ये कोड देख लिया और मुझे मेरे साथ बना लिया, परफेक्ट, गुड, परफेक्ट। लेकिन जब तक आपने अपने हैंड ऑन जो सा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, या फिर जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ आपने चेंज अपना कुछ ऐड नहीं किया फीचर, तब तक वो चीज़ें अधूरी हैं। तो इसको खुद से प्रोड्यूस करें, खुद से क्रिएट करें। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।